दूसरा दिन के रात की समय पर हमें परमेश्वर अगुवाई करता है, नम नडुविले वंदिरुक्रार, परमेश्वर हमारा मध्य में आ गया है। हालेलुया 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 रात्रि कूटे वनवाल इस रात की सभा में आइए, हम सभी को मैं बधाई देता हूँ। तलमें विश्वास मकुवी नाम प्रिय मुख्य सेवक के लिए, सब साथी सेवकों के लिए, सभी प्रिय जन के लिए प्रभु मसीह के नाम से मैं नमस्कार कहता हूँ। अंबान कन्वेंशन वेपड़ पनो सीक्रमें சத்தம் யாருடைய சத்தம் என்கிறதன் அடிப்படையில் தியானித்து வருகிறோம். பிரியோ जो प्रकाशित वाक्य 22 वचन में यीशु ने कहा, देखो मैं शीघ्र से आ रहा हूं करके कहा हुआ उसी सप्त किसकी सप्त करके हमने मनन करते आ रहे हैं। हालेलुया 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 ஆகவே ஆண்டவர் இயேசு சொன்ன அந்த வார்த்தை, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा हुआ उसी सप्त பல விதங்களில் நம்ம குள்ளே இந்நாட்களில் கிரியை செய்து கொண்டே வருகிறது. பின்ன பின்ன பிரகார से हमारे मध्य में वो काम करता आ रहा है। இந்த இரவு வேளையிலே आज रात का समय भी இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்பது देखो मैं शीघ्र से आ रहा हूं करके कहा हुआ उसी शब्द ஒரு நியாயாதிபதியின் சத்தம் என்கிற அடிப்படையிலே தியானிக்க இருக்கின்றோம். एक न्यायाधीश का शब्द के आधार पर हम मनन करने जा रहे हैं। याकूबின் நிருபம் 5 அதிகாரம் 9 வசனம் வாசிக்கலாம். याकूब के पत्र 5वां अध्याय उसके 9वां वचन को पढ़ेंगे। देखो मैं सीकर से आ रहा क्रियान नान अलनोड़े जन की कामों के अनुसार उनके लिए दिया जल प्रतिफन मेरे साथ आ रहा है। येसु क्रिस्तु न्यायाधिपति आगे वर इरुक्रार। येसु मसीह न्यायाधीश बनकर आने वाला है। आगवे नाम अंद न्यायाधिपतियै संदिक्क आयतमाग वेंडुम। इसलिए उस न्यायाधीश से मिलने के लिए हम तैयार होना है। इंद न्याय तीर्पु एंदु सोल्लुवदु इस न्याय का समय करके कहना मनुकुलत्तिन चरित्रम मुळुवदिलुम नाम पडिक्ककूडिय ओरु विषयमाग इरुक्किरदु। मानव जाति की पूरा चरित्र के चरित्र में पढ़ाए जाने वाले के विषय है। परिशुद्ध वेदागमत्तिले अनेक न्याय तीर्प्पुगळै नाम पार्क्किन्रोम। पवित्र शास्त्र में अनेक प्रकार के न्याय के विषय में हम जो पढ़ते हैं। पल कार्यंगळिले देवन तिडीरेंदु कुरिक्किट्टु न्याय तीर्प्पु सेय्वदु उंडु। अनेक बातों में प्रभु आमने सामने आकर कभी प्रभु न्याय भी चुकाता है। आनाल एल्लारुक्कुम पोदुवाग ओरु इरुदि न्याय तीर्प्पैयुम कर्तर वैत्तिरुक्किन्रार। लेकिन सबके लिए सामान्य तौर से एक अंतिम समय का न्याय का दिन भी परमेश्वर ने ठहराया है। தேவனுடைய ஒரு குணம் என்னவென்றால் परमेश्वर का एक गुण बोले दुखिया है। மனிதனுக்கு अनेक நன்மைகளை அவர் தந்தருளுவார். மனுஷ்யோ के लिए बहुत सारे भलाइयों को परमेश्वर देता है। அதற்கு பிறகு தந்தவைகளை எப்படி அந்த மனிதன் கையாண்டு வாழ்ந்திருக்கிறான் என்பதை குறித்து கணக்கு கேட்பார். தியவ भलाइयों को मनुष्य ने किस प्रकार उसका उपयोग किया नहीं तो उसकी इस्तेमाल किया उनके विषय में परमेश्वर ने सवाल पूछेगा। அதற்கு தான் ஒரு நியாய தீர்ப்பு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது। उसी के लिए एक न्याय का दिन रखी हुई है। தேவன் சகலத்தையும் நமக்கு தர விரும்புகிற தேவன். परमेश्वर सारी भलाइयों को हमें देना चाहता है। நன்மைகளால் நம்மை நிரப்புகிறவர். भलाइयों से हमें भरता है। நாம் எதிர்பார்க்கிறதும் எதிர்பார்க்காததுமான अनेक காரியங்களை வாழ்விலே தருகின்றார். हमारी जीवन में हम जो अपेक्षा करते हैं अपेक्षा नहीं करते हैं ऐसे भलाइयों को हमारा जीवन में देता है। ஆனால் கடைசியிலே ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு நியாய தீர்ப்பை குறித்து வைத்திருக்கிறார். அந்த में सबके बदले में एक न्याय का दिन को परमेश्वर के अवश्य ठहराया हुआ है। இந்த தினத்திலே முதலாவது
देवन उलगत्तले कुरुकिट्ट सैदसल न्याययतीर्पुगलाई नाम गवनिकलाम आज पहले बार परमेश्वर एकदम आमने आकर सामने आकर किए कुछ न्याय के बारे में मनन करेंगे मुदलावदागे पहला इंद मुलु भूमिकुम देवन ओर न्याययतीर्पय वैतरुकरा सारे पृथ्वी को एक न्याय का दिन प्रभु ने ठहराया भूमियै न्यायम तीर्पार पृथ्वी को न्याय करेगा संगीतम 96:13 ले पार्करो भजन संहिता 6:9 उसके चटवा भजन में पढ़ते हैं अवर वर्गरार अब भूमियै न्यायम तीर्क वर्गरार वो आ रहा है पृथ्वी को न्याय करने के लिए आ रहा है संगीतम 94:2 इविदमाई சொல்லுகிறது भजन संहिता 94 उसके दूसरा भजन में इस प्रकार लिखा है भूमियिन न्यायाधिपतिये हे पृथ्वी की न्यायाधीश मुलु भूमियैयुम देवन न्यायम तीर्करव सारी पृथ्वी को परमेश्वर न्याय करता है मुलु भूमियैयुम न्यायम तीर्कवर वरुगरा सारी पृथ्वी को न्याय करने के लिए वो आ रहा है इंद भूमियिन चरित्रतिले इस पृथ्वी का चरित्र पर नोवा एनगरदान मनिदन वाल्द नाटकलिले नू नाम का एक व्यक्ति जीने की समय पर ओरु विषय देवन कुरुकिट्टु भूमियै न्यायम तीर्तार एक बार परमेश्वर ने सामने से आकर पृथ्वी को न्याय किया अपोस्तलाय पेदुर तनुडे इरंडावद निरुपतिले प्रेरित पत्रस उसकी दूसरा पत्रस में இரண்டாவது அதிகாரம் 5 வசனத்திலே அதை குறிப்பிடுகிறார் दूसरा अध्याय उसकी 5वां वचन में इसी के बारे में बताता है வாசிக்கலாம் पूर्व உலகத்திலே தேவன் ஒரு நியாய தீர்ப்பை செய்தார் அச்ச पूर्व समय पर पृथ्वी पर प्रभु एक न्याय कोटराया அவர் அந்த நியாய தீர்ப்பிலே முழு உலகத்தையும் ஜல பிரளயத்தினாலே அழித்தார் उस पूरा पृथ्वी को परमेश्वर जो पृथ्वी को जल प्रलय से नाश किया அதன் நடுவிலே அவருக்கு கீழ்ப்படிந்த நோவாவையும் அவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்த 8 பேரையும் காப்பாற்றினார் उन सबके बीच में परमेश्वर नूह और उनके वचन को माना उन 8 लोगों को परमेश्वर ने बचाया முழு பூமியையும் நியாயம் தீர்த்த ஒரு சம்பவம் இது सारी पृथ्वी को परमेश्वर ने न्याय किया हुआ एक संभव है 3rd அதிகாரத்திலே तीसरा अध्याय में 3 முதல் ஆன வசனங்களிலே 3-6 वचन में அதை குறித்து பேதுரு விரிவாக எழுதுகிறார் उसके बारे में பத்ரஸ் एकदम स्टार से लिखता है अंदर முதலாவது நீங்கள் அறிய வேண்டியது என்னவெனில் पहले आप क्या जानना है கடைசி நாட்களில் பரியாசக்காரர் வந்து அந்தின் தினமே டட்டா करने वाले लोग ने தங்கள் சுய இச்சைகளின்படியே நடந்து अपने खुद के अभिलाषा के अनुसार चलकर அவர் வருவார் என்று சொல்லுகிற வாக்குத்தத்தம் எங்கே वो आएगा करके कहा हुआ उनके प्रतिज्ञा कहां है பிதாக்கள் நித்திரடைந்த பின்பு जो पिता के लोग ने निद्रा पाने के बाद சகலமும் सृष्टिபின் தோற்றம் முதல் सब कुछ सृष्टि के समय से लेकर விதமா இருக்கிறதே என்று சொல்லுவார்கள் ஜெய்சா ஹே வைசா ஹி ஹே करके उन्हें कहेंगे पूर्व காலத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே வானங்களும் पूर्व समय पर परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश ஜலத்தினின்று தோன்றி ஜலத்தினால் நிலை கொண்டிருக்கிற பூமியும் உண்டாயினவென்பதையும் ஜல் மே से बनी और जल में से स्थिर है करके அப்பொழுது இருந்த உலகம் ஜலப்பிரளயத்தினாலே அழிந்ததென்பதையும் மனதார அறியாமல் இருக்கிறார்கள் உஸ் யூ கா जगत जल से डूब कर नष्ट हो गया इन बातों को भी नहीं जानते हैं हालेलुया हालेलुया மிகத்தெளிவாக எழுதி உணர்த்துகின்றார் एकदम स्पष्ट तौर से लिखकर यहां पर कहता है இன்றைக்கு अनेक மனிதர்களுடைய உள்ளங்களிலே आज बहुत सारे लोगों का मन में எல்லாம் நாம் பிறந்தது முதல் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒன்று போல தானே இருக்கிறது जब मैंने जन्म पाया उसी दिन से सब कुछ एक सरीक है அப்படி நினைக்கிறார்கள் इस प्रकार वो विचार करते हैं சிலர் நினைக்கிறார்கள் और कोई कई लोगों ने सोचते हैं நாம தப்பு செய்தா என்ன हम कुछ बुराई करने से क्या யார் கண்டுகொள்ளுகிறார்கள் कौन देखने वाला है தேவன் நம்மை உடனே அடிக்கவில்லையே परमेश्वर हमको तुरंत हमको मारता नहीं தப்பு செய்கிறவன் நல்ல செழிப்பா இருக்கானே जो बुराई करता वो तो हराभरी रहता है இப்படியெல்லாம் நினைத்து इसी प्रकार हम सोच कर சிலர் தங்கள் வழிகளை கெடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் कुछ लोग अपने मार्गों को बिगाड़ते रहता है ஆனால் लेकिन पूर्व भूमि
பூமியை அவர் தப்பவிடவில்லை என்பதை மக்கள் உணர வேண்டும் पूर्व पृथ्वी को परमेश्वर ने नहीं बचाया इन बातों को प्रभु के लोग ने समझना चाहिए जल प्रलयத்தினாலே அவர் நியாய தீர்ப்பை செய்தார் என்பதை மக்கள் அறிய வேண்டும் जल प्रलय के द्वारा एक न्याय का दिन को प्रभु ने ठहराया है इस बात को हम जानना चाहिए தொடர்ந்து எழுதுகிறார் लगातार लिखता है இப்பொழுது இருக்கிற வானங்களும் பூமியும் आप इस वर्तमान में जो काल में जो आकाश और पृथ्वी அந்த வார்த்தையினாலே அக்கினிக்கிரையாக வைக்கப்பட்டு उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए देव भक्ति இல்லாதவர்கள் நியாயம் தீர்க்கப்பட்டு அழிந்து போகும் நாள் வரைக்கும் காக்கப்பட்டிருக்கிறது और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे அன்றைக்கு ஜல பிரளயத்தினால் ஒரு நியாய தீர்ப்பு வந்தது उस दिन जल प्रलय के द्वारा एक न्याय का दिन आया இனி அக்கினியினால் ஒரு அழிவு வர போகிறது அக்னி के द्वारा एक नष्ट या न्याय आने वाला है ஆகவே மக்கள் அந்த நடந்த நிகழ்வை நினைத்து இன்று மனம் திரும்ப வேண்டும் लेकिन इसलिए जन की जो प्रजा उस दिन की जो बात हुआ उसी को देखकर आज मन फिरना चाहिए தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பை அறிந்து தேவனுக்கு பயந்து நடக்க வேண்டும் परमेश्वर का न्याय के विषय में जानकर परमेश्वर का भय मानकर चलना चाहिए இந்த நியாய தீர்ப்பின் நிகழ்விலே நாம் கவனிக்க வேண்டியது इस न्याय के समय के समय पर जो होने वाली उसी बातों के बारे में हमने ध्यान देना है தங்கள் வழிகளை கெடுத்துக்கொண்ட அனைத்து மனிதர்களுக்கும் தேவன் நியாயம் தீர்த்து தண்டனை கொடுத்தார் अपने मार्गों को बिगाड़ा या नष्ट किया उन सभी लोगों को परमेश्वर न्याय करके उनको सजा या जो दंड दे दिया அதே வேளையிலே उसी समय पर அந்த பூமியிலே உண்மையாய் உத்தமமாய் நீதிமானாய் வாழ்ந்தவனை தேவன் அழிக்காமல் காப்பாற்றினார் उसी पृथ्वी पर सच्चाई में धर्मी बनकर रहने वाले एक व्यक्ति को प्रभु ने बचाया उन्हें प्रभु संभाला भी ஏனென்றால் தேவனுடைய நியாயம் தேவனுடைய தீர்ப்பு நியாயமானது क्योंकि परमेश्वर का न्याय करने के तरीके एकदम धर्म से है அது மிகவும் நியாயமும் நீதியும் நிறைந்தது एकदम धर्म और सच्चाई से भरी हुई है தவறு செய்தவனுக்கு அவர் தண்டனை நிச்சயம் கொடுப்பார் जो गलती किया है उनको जरूर वो सजा या दंड देगा அந்த தவறு செய்கிறவள் நடுவில் உண்மையாய் வாழுகிறவனுக்கோ தேவன் நன்மையை விளங்க செய்வார் उन गलतियां बुराई करने वाले लोगों के मध्य में जो भलाई करते हैं सच्चाई से जीवन बीते हैं बिता हैं उनको प्रभु जरूर उसका प्रतिफल देगा सहोदर ने सहोदरी इसलिए प्रिय भाइयों बहनों உங்களை சுற்றி உள்ளவர்கள் எப்படி வாழுகிறார்கள் என்று பார்க்காதிருங்கள் आपके चारों ओर के लोग किस प्रकार जिंदगी अपना जीवन बिताते हैं इस बात को मत देखो நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தை கவனித்து நடவுங்கள் परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान करो उसके आधार पर चलो यीशु காட்டின வழியில் நடவுங்கள் जो मार्ग यीशु ने दिखाया उसी मार्ग पर चले हम கர்த்தருடைய வெளிச்சத்தில் நடப்போம் வாருங்கள் हम आओ हम परमेश्वर ज्योति में चलेंगे இந்த சீர்கேடான உலகத்திலே நாம் நீதி நேர்மையாய் வாழ்ந்தால் அதற்கு பல நிச்சயம் உண்டு பிகடே ஹுவே இஸ் ஜமீன் மே ஹம் சச்சாய் ஔர் தர்ம சே ஜியேங்கா தோ உசி கா பிரதிஃபல் நிச்சய ஹே கோணலும் ஆறுபாடும் உள்ள சந்ததி நடுவில் வசனத்தை பிடித்து கொண்டு வாழ்ந்தால் அதற்கு நிச்சயம் நன்மை உண்டாகும் தேடா அவர் குட்டில் லோகு கே மத்திய மே ஹம் பரமேஸ்வர் கா வச்சன் கோ பக்கடே சலே தோ உசி கா பிரதிஃபல் நிச்சய பிரபு கா வர்சே ஹே பல வேளைகளில் உடனே காரியங்கள் நியாய தீர்ப்புகள் தண்டனைகள் நடைபெறுவதில்லை कोई कोई समय पर तुरंत परमेश्वर की दंड या न्याय हमारे पर नहीं आ जाती है அதனால் மனிதன் பயமில்லாமல் துணிந்து தவறுகள் செய்து கொண்டிருக்கின்றான் इसलिए मनुष्य हिम्मत से बिना डर से अपने पापों में जिंदगी जीता है ஆனால் தேவ பிள்ளைகளோ கடந்த கால நியாய தீர்ப்புகளை நினைவுகொண்டு பயபக்தியுடன் வாழ வேண்டும் लेकिन परमेश्वर के बच्चे पिछले दिनों में प्रभु का न्याय किस प्रकार था इन बातों को जानकर भय और भक्ति के साथ जिंदगी जीना है தேவன் முழு பூமியை நியாயம் தீர்த்திருக்கிறார் இன்னும் நியாயம் தீர்ப்பார் பரமேஸ்வர் सारे पृथ्वी का न्याय किया है और भी न्याय करेगा இந்த பூமிக்கு ஒரு முடிவை வைத்திருக்கிறார் इस पृथ्वी के लिए एक अंत का दिन को परमेश्वर ने रखा है இந்த பூமியை தேவன் உண்டாக்கின நோக்கம் நிறைவேறும் பொழுது அதுக்கு முடிவு கட்டுவார் इस पृथ्वी को परमेश्वर जिस उद्देश्य से बनाया है उस उद्देश्य जब पूरा होगा तभी प्रभु अपना न्याय का काम शुरू करेगा அதனால் அன்றிருந்தது போல் எல்லாம் இன்றும் இருக்கிறது என்று தப்பெண்ணம் கொள்ள வேண்டாம் इसलिए जैसा उस दिन थे वैसा आज भी है करके ऐसे गलत विचार हमारे अंदर नहीं आना चाहिए हालेलुया हालेलुया இது பேதுரு இந்த பூமியின் முடிவை குறித்து மிக தெளிவாக எழுதி இருக்கின்றார் यही பத்ரஸ் இஸ் पृथ्वी के अंत के विषय में एकदम स्पष्ट तौर से लिखा है இது 2 பேதுரு 3 ஆம் அதிகாரத்திலே ये दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय में
नाम तोड़ंदुल्ला वसनंगलिले गवनिक्कुम्बुलुदु हम लगातार आगे के वचनों में पढ़ने के समय पर इंद भूमियिनुडैय अळिवु एप्पडी आग नियमिक्कपट्टिरुक्किरदु एन्बदै कुरिप्पिडुगिरार इस पृथ्वी का अंत किस प्रकार ठहराया हुआ है उसके विषय में कहा है हालेलुया हालेलुया कर्तरुडैय वसनम सोल्लुगिरदु प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है अंद पत्ताम वसन गवनिंगल दसवां वचन पर ध्यान दीजिए कर्तरुडैय नाल तिरुडन इरविले तिरुडन वरुगिर विधमाय वरुम प्रभु का दिन चोर के समय आ जाएगा उस दिन अप्पोळुदु वानंगल मडमडवेंद्र अगंद्र पोवुम उस दिन आकाश बड़ी बड़ी हट हट आकर के शब्द से जाता रहेगा भूतंगल वेंदु उरुकी पोवुम जो तत्व भौतिकी स्तब्ध होकर पिघल जाएंगी भूमियुम अदिलुल्ल क्रियेगलुम एरिंदु अळिंदु पोवुम और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे இப்படி இவைகளெல்லாம் அழிந்து போகிறதா இருக்கிறபடியால் जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से जो पिघल जाने वाली है நீங்கள் எப்படிப்பட்ட பரிசுத்த நடக்கையும் தேவ பக்தியும் உள்ளவர்களா இருக்க வேண்டும் तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए மிக தெளிவாக தேவாவியானவர் பேதுருவை கொண்டு எழுதி இருக்கிறார் एकदम स्पष्ट रीति से प्रभु की आत्मा पत्रस के द्वारा यहां पर लिखा है நாம் தலைக்கு மேல் பார்க்கும் हमारे सर के ऊपर दिखाई देने वाला आकाश एक दिन ऐसे अचानक नाश हो जाएगा नाम काल मिदित्तु नडक्कर इंद भूमियुम अदिलुल्ल क्रियेगलुम एरिंदु अळिंदु पोगुमा जिस जमीन पर पैर रखकर हम चलते हैं उसी जमीन ऐसे ही नाश हो जाएगा भूतंगल एल्लाम அவைகள் வெந்து உருகி போகுமா जो इस रीति से सारे वस्तुएं पिघल जाने वाली है भूतंगल என்று சொல்லும்போது அவைகள் எலிமெண்ட்ஸ் मेटल्स एंड नॉन मेटल्स அந்த உலோகங்களாக இருக்கின்றது जो ये वस्तु उसका मतलब जो किसी लोहे या जो लकड़ा जो भी वस्तु पृथ्वी में हम देख दिखाई देते वो सब कुछ है இன்றைக்கு பொன்னும் வெள்ளியும் மனிதனுக்கு மிக மேன்மையாய் தெரிகிறது அது சாந்தி அவர் सोना மனுஷ के लिए बहुत बहुमूल्य वस्तु दिखाई देती है அந்த பூதங்கள் எல்லாம் வெந்து உருகி போகும் என்று வேதம் சொல்கிறது ये सारी वस्तुएं जलकर नाश होगा करके वचन कहती है ஆகவே பூமி ஒரு அக்கினிக்கு இரையாகி நிலைக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இஸ் பிருத்வி एक अग्नि से पशुम किया जाने के लिए रखी हुई है हालेलुया हालेलुया விஞ்ஞானிகள் இதை ஆராய்ச்சி பண்ணுகிறார்கள் ज्ञानियों ने इसके बारे में तपास या जानकारी करता है और சொல்லுகிறார்கள் उन्हें कहता है இந்த பூமியிலே इस पृथ्वी में மூன்றில் இரண்டு பாகம் தண்ணீர் तीन में एक भाग जल या पानी மூன்றில் ஒரு பாகம் தான் நிலப்பரப்பு तीन में एक भाग है सूखी भूमि அப்போ ஆண்டவர் ஒருவேளை அந்த தண்ணீரை தண்ணீருடைய மூலகூறுகளை பிரித்து விட்டு விட்டார் என்றால் கதாச்சி तो पानी की बात पानी में कुछ ना कुछ प्रभु बटौरा कर देगा तू தண்ணீர்ல வந்து H2O என்று சொல்வார்கள் ரெண்டு ஆக்ஸிஜன் அணுக்களுக்கு ஒரு ஹைட்ரஜன் அணு இணைந்து இருக்கிறது पानी में H2O करके कुछ दो प्रकार के बातों मिली हुई है இதில் ஒன்று எரியும் தன்மை உள்ளது இன்னொன்று எரிவதை சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய தன்மை உள்ளது एक उनमें से एक भाग है जलने के प्रभाव से है लेकिन दूसरा जलने के प्रभाव को और बढ़ाने वाली शक्ति है ஆனால் ரெண்டும் அந்த குறிப்பிட்ட ப்ரொபோஷன்ல ஒன்றா இருக்கிறதுனால அது தீயை அணைக்கின்ற தண்ணீராக காணப்படுகிறது लेकिन उन दोनों मिलकर ऐसे एक तत्व से भरी है इसलिए जलने वाले आग को बुझाने में काम में आती है சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆந்திராவிலே ஒரு பயங்கரமான அலை வந்த பொழுது कुछ सालों के पहले आंध्रा में बहुत बड़े तूफान आया तभी ரெண்டு அலைகள் ஒன்றோடொன்று மோதின பொழுது दो लहरा आमने सामने टक्करने के बाद स्पार्क வந்ததாக விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் पानी की बिजली आया करके विज्ञानियों ने जो उसके बारे में तपास किया ஆகவே இந்த ரெண்டு பங்கு தண்ணீரை தேவன் அப்படி மாற்றி விட்டாலே பூமி வந்து உருகி போகும் இந்த दोनों भाग के पानी को प्रवेश प्रगत दो भाग में बटोरा कर दे अलग कर देगा तो पूरा जल कर नाश हो जाएगा இன்னும் விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறார்கள் और भी ज्ञानियों ने कहता है எத்தனையோ கிரகங்களும் நட்சத்திரங்களும் சுற்றிக்கொண்டே இருக்கின்றன इतने सारे ग्रह और தாராகணம் पृथ्वी पर घुमा फिरा रहती है ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் என்று சொல்கிற விண் கற்கள் சுற்றிக்கொண்டே இருக்கின்றன ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் நாம் கைக்கு ஐசே கே பத்திரம் जमीन पर गिरता है இவைகளில் ஒரு ரெண்டு மூணு ரன்னம் பூமியில் வந்து மோதினாலே பூமி பஸ்பமாய் போய்விடும் இன்மேசி एक दो पत्थर
पृथ्वी पे ऊपर आकर टकराएगा तो पृथ्वी जलकर नाश हो जाएगा எனவே இந்த வேதம் வசனம் சொல்லுகிற காரியம் நடக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உள்ளதென்று விஞ்ஞானிகளை சொல்லுகிறார்கள் இஸ்லேஸ் பவித்ர சாஸ்திரமே ஜோ குச் கஹா ஹுவா ஹே வோ சப் குச் வாஸ்தவ மே ஹோனே கே லியே போஹோத் சாரா ஆதார் பவித்ர சாஸ்திரமே ஹே நம்முடைய தேவன் சொன்னதை செய்வார் ஹமாரா பரமேஸ்வர் நே ஜோ குச் கஹா ஹே உஸீ கோ பூரா கரேகா நோவாவிடத்திலே சொன்னார் நீ பேளையை உண்டு பண்ணு நான் ஜலப்பிரளயத்தினால் மனிதனை அழிக்க போகிறேன் என்று சொன்னார் நோ க பரமேஸ்வர் நே ஆதேஸ் தியா தூ ஜாஜ் கோ பனாவோ மை ஜல் प्रलय से पृथ्वी को नाश करूंगा करके देव कटले पड़ी नो वापेले ये उंड पनीना परमेश्वर की आदेश के अनुसार नो जाच को बनाया अदोड कुड़े नो वा नीति ये प्रसंगीता ने बाइबल चल कर उसके साथ नो परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में प्रचार किया करके भी लिखा है अनल कड़ी सी आगे अपने वार्ते की कील पड़ी दादा अपने सोंदर गुड़म्बा मट्ट में हम अंत में देखेगा तो नो की सब्त को सिर्फ उनकी परिवार के लोग उसकी आदेश या आज्ञा को माना இப்பொழுது கவனியுங்கள் अभी ध्यान दीजिए ஒரு எட்டு பேர் மட்டும்தான் தேவனுக்கு கீழ்ப்படுகிறார்கள் सिर्फ एक आठ लोग परमेश्वर के बात को माना அந்தகிருந்த அனைத்து ஆயிரம் ஆயிரமான ஜனங்களும் கீழ்ப்படியவில்லை उस समय के हजारों हजार लोग आज्ञा नहीं माना அப்ப தேவன் இப்படி நினைத்திருக்கலாம் तो परमेश्वर इस प्रकार विचार कर सकते थे எட்டு பேர் தானே காப்பாற்றப்படுவார்கள் सिर्फ आठ ही लोग बचाया जाता है அதனால நம்ம சொன்ன நியாய தீர்ப்பை நீ தள்ளி வைத்தறலாம் इसलिए हमने जो न्याय के विषय में जो कहा था उसी को बदल देंगे இந்த தண்டனை நம்ம வரவேட வேண்டாம் इसी दंड को हम आने ना देंगे अपड़ी अवर यन्नी के पार्थ तीर्मानी के विल्ले इस प्रकार परमेश्वर गिनती को देकर न्याय को नहीं ठहराया अलीपेन अंडे सुनार अलीता नाश करूंगा करके कहा परमेश्वर ने नाश किया देवन सुनना न्याय तीर्पे सहित मुड़ी पार परमेश्वर जो न्याय की विषय में जो कहा था उसी को पूरा करेगा नी कीलपड़ी वधम कीलपड़ी आदत उन्हें पोरत उसकी आज्ञा मानना नहीं मानना आपके अवर से है नाम सिलर नने के लाम अब कुछ लोग सोचते हैं वलतले एवलो कूटम இந்த வார்த்தைக்கு கீழ்படியாம இருக்கறாங்க பிருத்திவிமே कितने सारे बड़ी झुंड के लोग इन बात को नहीं मानते மொத்தத்துல உலகத்துல ஒரு சின்ன கூட்டம் நாங்கள் மட்டும் தானே வசனத்துக்கு கீழ்படுகிறோம் வாஸ்தவமே பிருத்திவிமே छोटा सा एक झुंड के लोग हम प्रभु के वचन को मानते हैं அதனால கடைசில தேவன் மனம் மாறி விடுவார் इसलिए अंत में परमेश्वर अपना मन को बदल देगा ஒரு நாளும் அப்படி நடக்காது कभी भी ऐसा नहीं होगा அதற்கு தான் ஆண்டவர் दृष्टांतமாக ஜலப்பிரளயத்தை வரவித்து காண்பித்திருக்கிறார் उसके लिए परमेश्वर दृष्टांत के तौर से जल प्रलय को प्रभु ने लाया इन बातों को बताया यीशु क्रिस्त சொன்னார் यीशु ने कहा जीवन को போகிற வழி அது இடுக்கமாய் இருக்கிறது जीवन के अवर जाने वाली मार्ग एकदम दबे हुए है அதை கண்டுபிடிக்கிறவள் சிலர் उसको ढूंढने वाले बहुत थोड़ा है எட்டுக்கு போற வாசல் விரிவாய் திறந்திருக்கிறது जो विनाश की तरफ से जाने मार्ग बहुत बड़ा और चौड़ा है ஆகவே நீ மெஜாரிட்டி பார்த்து தீர்மானித்தால் நீ கிறிஸ்துவுக்குள் வர முடியாது इसलिए जो मेजॉरिटी को देखकर आप कुछ फैसला करेगा तो आप मसीह में नहीं जी தேவன் பூமியை உண்டாக்கினவர் பரமேஸ்வர் पृथ्वी को उत्पन्न किया அவர் நினைத்ததை அவர் செய்வார் जो चाहा वही पूरा करेगा நாம் அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் उसकी वचन की आज्ञाकारी बनना है பூமியிலே வாழ்கிற ஒவ்வொருவரும் पृथ्वी में जीने वाला सभी लोग இந்த வார்த்தையை கவனிக்க வேண்டும் इस वचन पर ध्यान देना चाहिए நாம் வாழும் பூமிக்கு ஒரு நியாய தீர்ப்பு இருக்கிறது हम जीने वाला जमीन या पृथ्वी को एक न्याय का दिन है அது என்றைக்கும் நிலைநிற்க போகிறது இல்லை वो हमेशा पृथ्वी हमेशा ठहरे रहने वाला नहीं இந்த மண்ணை நம்பி நாம் எப்படி வாழ முடியும் இஸ் पृथ्वी पर भरोसा करके हम कैसे जी सकते हैं இந்த மண்ணிலே கொஞ்சம் சொத்துக்கள் கிடைத்தால் சிலர் அதை நம்பி வாழ்கிறார்கள் இஸ் पृथ्वी में कुछ जमीन जायदाद मिलेगा तो उसी पर भरोसा करके हम जिंदगी जिया करते हैं இதிலிருந்து வருகிற பணம் பொருளை நம்பி வாழ்கிறார்கள் इसी पर जो पैसे जो धन आमदनी जो आती है उस पर भरोसा करके जीते हैं அவைகள் ஒன்றும் நிலைக்க போகிறதில்லை कभी भी टिकने वाली नहीं है हालेलुया हालेलुया तो பூமியே வந்து போகும் என்றால் ये पृथ्वी जल जाएगा बोलेगा तो வானமே மடமடவென்று அகன்று போகும் என்றால் इसी प्रकार से आकाश भी ऐसे ही अटा जाएगा बोलेगा तो மனிதனே நீ எங்கே போய் நிற்க போகிறாய் ये मनुष्य तू कहां जाकर खड़ा रहने वाला है சிந்திக்க வேண்டுமே अभी तू इसके बारे में सोचना चाहिए இந்த வானத்தையும் பூமியையும் நம்பி வாழ முடியாதே இஸ் ஆகாஷ் ஒரு पृथ्वी पर भरोसा करके हम जिंदगी नहीं जी सकते நிச்சயமாய் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின ஒருவர் இருக்கிறார் நிச்சயசே ஆகாஷ் ஒரு पृथ्वी को बनाया हुआ एक सृष्टिकर्ता है அவரை நீ நம்ப வேண்டும் उसी को तू भरोसा करना है அவர் உன்னை பாதுகாக்க வல்லவர்
वही तुझे रक्षा करने के लिए सामर्थ्य है मुड़ भूमि ये जल तिनाल अलिकम बोलते सारी पृथ्वी को जल से नाश करने के समय और पेड़ कुल वही तो एट पेरे कापा चावर वाला वरा के इरंदा जहाज के अंदर रखे आठ जन को वो बचाने के लिए सामर्थ्य है अबे बोले इनी इंद भूमि अकिनियाल एरिकम उन्मदा के वैसे इसी पृथ्वी को और अग्नि से जलाने के पहले अवर उड़े पुले गले अवर वंद एड़ चल पोग अपने बच्चों को वो स्वयं आकर ले जाने वाला है அதற்கு தான் இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் உசிகிலே देखो मैं शीघ्र से आ रहा हूं करके प्रभु ने कहा भूमि न्याय तीर्पிலே நீயும் ஆளாகி விட கூடாது पृथ्वी जब न्याय किया जाएगा उसी में तुम भी एक ना होना चाहिए भूमि को वरम தண்டனை உன்மேலும் வந்து விட கூடாது पृथ्वी पर आने वाला दंड की आज्ञा आपके ऊपर भी नहीं आना चाहिए நீயும் உன் சந்ததியும் அதிலிருந்து காப்பாற்றப்பட வேண்டும் तेरा वंश उन्हीं में उसी में से बचाया जाए அதற்கு ஒரே வழி இயேசு उसके लिए एक ही मार्ग இயேசு அந்த இயேசுவை நீ பின்பற்ற வேண்டும் இயேசு மசீகி பாலன் करना है இயேசுவுடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டும் இயேசுக்கு वचन की आज्ञाकारी बनकर चलना है இயேசுவை ஆராதிக்கிற நபராய் நீ மாற வேண்டும் இஸ் பரமேசு மசீகி ஆராதனை करने वाला आराधक बनना चाहिए இயேசு ஒருவரே உன்னை காப்பாற்ற முடியும் केवल இயேசு மசீஹி आपको बचा सकता है அவருடைய வருகையில் அவரை சேரக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் உனக்கு கிடைத்து விட்டது என்றார் उसकी आगमन में उससे मिलने की एक सौभाग्यता तुझे मिल जाएगा நிச்சயமாய் இந்த பூமியின் வேல் வரக்கூடிய நியாய தீர்ப்பு உன்னை பாதிப்பதில்லை நிச்சய जो पृथ्वी पर जो दंड की आग्नि आएगा वो तुमको कोई तकलीफ ना देगा क्रिकेट करो सहोदर ने सहोदरी मेरी बातों को सुनने वाले प्रिय भाई और बहनों इस भूमि के वर पर न्याय तीर्प्पु के नी तप्पी पड़ाइकंबडी इस पृथ्वी पर आने वाले न्याय की दंड से अब बच निकलने के लिए पेड़ कुल कडंद वर वेंडो जहाज के अंदर आना है इन नाटकली नमक वैतर वैकपट्टिरुकिर पेड़ आंडवरा येसु क्रिस्तु दान हाय इन दिनों में हमारे लिए रखी हुई ये जहाज हमारे प्रभु येसु मसीह है अंदर के पड़ी पेड़ कुल வந்தவர்கள் காப்பாற்றப்பட்டார்களோ उस दिन जिस प्रकार उसी जहाज के अंदर आई हुई लोग बचाया गया அதே போல ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் வருகிறவள் நிச்சயமாய் காப்பாற்றப்படுவார்கள் उसी रीति से जो प्रभु येसु मसीह में जो आए हुए उन सभी उन दिनों में बचाया जाएगा எனவே இந்த பூமியின் நியாய தீர்ப்பை சிந்தியுங்கள் इसलिए इस पृथ्वी के न्याय के विषय पर आप ध्यान दीजिए நாம் இதிலிருந்து தப்பி பிழைக்கும் வழியை தேடுங்கள் हम इनमें से बच निकल के निकलने के उपाय को ढूंढो அந்த வழி இயேசு जातियों को न्याय करने वाला मुळु भूमियै न्यायम तीर्क्किरवरे कुरित्तु सोन्नेन सारी पृथ्वी को न्याय करने वाले के विषय में हमने कहा रेंडावदाग दूसरा बाइबल सोल्लुगिरदु पवित्र शास्त्र कहती है कर्तर जातिगळुक्कुळ न्यायम तीर्क्किरवर परमेश्वर जातियों को न्याय करेगा जाति एंगिर वार्तै जाति का शब्द तमिळ्ले इप्पोळुदु पयन्पडुत्तप्पट्टु वरुगिरदु कास्ट एन्पदर्काग तमिळ् में अभी इसी समय पर बताया जाती है जाति मतलब क्या अपने जात के बारे में ஆனால் பைபிள்ல அது பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற அர்த்தம் பைபிள் में इस शब्द को इस्तेमाल किया जाने के मतलब जातिகள் என்றால் தேசங்கள் ஜாதி मतलब देश के लोग ஜனகூட்டங்கள் जन की जन समुदाय நேஷன்ஸ் என்ற ஆங்கிலத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அங்கிரேஜி में நேஷன்ஸ் करके लिखी हुई है இந்த தேசங்களை நியாயந்தீர்க்கும்படி इन देशों को न्याय करने के लिए ஜனகூட்டங்களை நியாயந்தீர்க்கும்படி जन की जन समुदाय को न्याय करने के लिए கர்த்தர் அடிக்கடி பூமியிலே குறுக்கிடுகின்றார் பரமேஸ்வர வாரம்வார் पृथ्वी के साथ मिलाप करता है कृपाग इब्राहिम के साथ प्रभु एक शब्द कहा था आब्रहामे इब्राहिम उन संततिகள் अन्य जातिகளை சேவிப்பார்கள் तेरी जनजाति अन्य देवताओं का सेवा करेंगे ஆனால் இவர்கள் எந்த ஜாதிகளை சேவிப்பார்களோ அந்த ஜாதிகளை நான் நியாயம் தீர்ப்பேன் लेकिन इन्होंने जो जातियों की सेवा करोगे उनका मैं न्याय करूंगा இது ஆபிரகாம் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வாக்குத்தத்த வசனம் ये இப்ராஹிம் के लिए दी हुई एक प्रतिज्ञा का वचन है ஆபிரகாமின் சந்ததி தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததி இப்ராஹிம் की वंश परमेश्वर के द्वारा
चुनी हुई एक वंश है देवन उड़े आशीर्वादम बेटे संदधि परमेश्वर के आशीर्वाद को पाई भी संदान है देवन वाक्य तत्त्व बेटे संदधि परमेश्वर के प्रतिक्रिया को पाया हुआ संदान है अंद संदधि उसी संदान कुरिपिट्ट कालंगल जो टराया हुआ समय पर अन्य जाति गले सेवी पार अन्य देवताओं की सेवा करेंगे जाति अन्य अन्य जातियों की सेवा करेंगे अंदर अन्य देशंगले अडिमैगला इरुपार अन्य देश में वो गुलामी बनकर रहेंगे आना लेकिन अंदर कुरिपिट्ट काल मुडियम बोल दे जब समय जब समाप्त होंगे यार देव जनंगले कष्टपड़ दिनार गलो जिन्होंने परमेश्वर के प्रजा को तकलीफ दिया अंदर जाति गले कत्तन न्याय तीरपा उन जातियों को परमेश्वर न्याय करेगा इदु अब्राहम कोडुत्ताना आशीर्वाद वाक्य इब्राहिम को दिए हुए प्रभु का एक प्रतिज्ञा के वचन है अदे पोल वैसे ही सुमार 430 वर्षंगे लगभग 430 साल अब्राहम की संतति इस्राएलर्गे इब्राहिम के वंश इज़राइल एगिप्तीय जाति सेवितार्गे मिस्र के जातियों की सेवा किया एगिप्तीय देश तले अडिमैगला इरुंदार्गे मिस्र देश में गुलामी बनकर रहा मिगवम कष्टपड़तपट्टार बहुत तकलीफ की अधिया गया अवरले इस्राएलर एगिप्तीय ரொம்ப கடுமையாய் கஷ்டப்படுத்தினார்கள் मिस्र वासियों ने इब्रानियों को बहुत सताया ஆனால் குறிப்பிட்ட நாள் வந்தபொழுது लेकिन टराया हुआ समय आया கர்த்தர் ஆபிரகாம் கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தின்படியாக परमेश्वर इब्राहिम को दिया हुआ प्रतिज्ञा के वचन के अनुसार எகிப்தியர் மேல் கர்த்தர் நியாய தீர்ப்பை வரப்பண்ணினார் मिस्र वासियों के ऊपर परमेश्वर न्याय को भेजा हालेलुया हालेलुया யாக்கோப் யோசேப்பின் காலத்திலே இஸ்ரவேலர் எகிப்துக்குள் போனார்கள் யாக்கோப் போர் இஸ்ரவேல் के समय पर मिस्र இஸ்ரவேல் मिस्र में आया ஆனால் மோசேயின் காலத்திலே தேவன் எகிப்தியரை நியாயம் தீர்த்தார் மூசா का समय पर परमेश्वर मिस्र वासियों को न्याय किया இஸ்ரவேலை வெற்றியாக வெளியே கொண்டு வந்தார் இஸ்ரவேல் को बड़ी विजय के साथ बाहर लेकर आया 10 வாதைகளை அனுப்பி அந்த எகிப்தியர் மேல் நியாயம் தீர்த்தார் 10 प्रकार का महामारी को भेजकर मिस्र वासियों को परमेश्वर ने न्याय किया தண்டனையின் மேல் தண்டனை கொடுத்தார் तो दंड के पर दंड दिया கடைசியாக செங்கடல் வரைக்கும் அவர்களை இழுத்து கொண்டு வந்து அந்த லால் समुंदर तक प्रभु ने उसको खींच के लेकर आया செங்கடலின் நடுவிலே கவிழ்த்து போட்டார் जो लाल समुंदर के बीच में ले आकर उन सभी को प्रभु ने डुबा दिया हालेलुया हालेलुया தேவ நியாயம் தீர்க்கிறவராக परमेश्वर न्याय करने वाला है ஜாதிகளுக்குள் நியாயம் தீர்க்கிறவர் ஜாத்தியோ को न्याय करने वाला है தேவ ஜனங்களாய் இஸ்ரவேலர்களை परमेश्वर के प्रजा இஸ்ராயேலோ को यार यार கஷ்டப்படுத்தினார்களோ कौन कौन सताया है அத்தனை வேரையும் ஆண்டவர் நியாயம் தீர்த்திருக்கிறார் सभी लोगों को परमेश्वर ने न्याय किया है உலகத்திலே எழும்பின சாம்ராஜ்யங்கள் दुनिया में जो कुछ साम्राज्य जो उठी थी அனைத்து சாம்ராஜ்யங்களுமே இஸ்ரவேலரை துன்பப்படுத்தி இருக்கிறது सारे साम्राज्य के लोग இஸ்ராயேலோ को सताया है அனைத்து சாம்ராஜ்யங்களும் மேல் கர்த்தரும் நீதி செலுத்தி இருக்கிறார் सारे साम्राज्य के ऊपर परमेश्वर भी अपना न्याय चुकाया है ஆபிரகாம் கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தை இன்றுவரை நிறைவேற்றி வருகிறார் இப்ராஹிம் की जो प्रतिज्ञा जो प्रभु ने दिया था वो आज तक वर्तमान तक पूरा करते आ रहा है हालेलुया हालेलुया தேவ பிள்ளையே நானும் நீயும் இன்றைக்கு பரிசுத்த ஜாதியாய் கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தால் மீட்கப்பட்டிருக்கிறோம் பிரிய परमेश्वर के लोगों मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा छुड़ाया गया है அன்றைக்கு ஆபிரகாமின் சந்ததி பழைய ஏற்பாட்டில் எப்படி மேன்மை உள்ளதோ அதுபோல புதிய ஏற்பாட்டில் நாம் மேன்மை அடைந்திருக்கிறோம் उस दिन जिस प्रकार इब्राहिम के संतान किस प्रकार आदरणीय सम्मानित व्यक्ति थे वैसे आज भी नया नियम के हम भी बड़े आदर और सम्मानित लोग बनाया गया है என்றால் பழைய ஏற்பாட்டில் எப்படி ஆபிரகாமின் சந்ததிக்கு முக்கியத்துவமோ அதேபோல புதிய ஏற்பாட்டில் கிறிஸ்துவின் சந்ததிக்கு முக்கியத்துவம் जैसे पुराना नियम में इब्राहिम के वंश को जिस प्रकार प्रधान जो स्थान दिया गया वैसे नया नियम में प्रभु यीशु मसीह के संतान के लिए मुख्य स्थान दिया गया है యేసుவின் இரத்தத்தால் மீட்கப்பட்ட கிறிஸ்துவின் சந்ததி యేసు के लहू के द्वारा छुड़ाया गया हुआ मसीह की संतान ना பரிசுத்த சந்ததி பவித்திர சந்தான है நாம் சில வேளை மற்றவருடைய கையிலே கொடுக்கப்படுகிறோம் जो हम कभी-कभी दूसरे के हाथों में हम दे दिया जाते हैं நம்மை அவர்கள் நெருக்குகிறார்கள் उन्हें कभी-कभी हमें दबाया करते हैं உபத்திரவப்படுத்துகிறார்கள் உபத்திரவம் में डालता है இந்த வேதனைகளை நமக்கு தருகிறார்கள் बहुत बड़ा दुख दर्द को हमको पहुंचाता है அத நடுவிலே நம்மை இன்னும் பரிசுத்தமாக்க தேவன் விரும்புகிறார் उसके மத்திய में அவர் भी हमें पवित्र करने के लिए परमेश्वर चाहता है அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் वो इसराइल की प्रजा 70 பேராக அந்த எகிப்துக்குள்ளே போனார்கள் लगभग
सत्तर लोग बनकर उस मिस्र में प्रवेश किया 430 நெருக்கப்பட்டாங்க 430 साल वो दबाए गए அப்புறம் அவங்க அங்க இருந்து வெளியே வரும்போது उन्होंने वहां से बाहर आते समय 600000 க்கு மேலாக ஆண்கள் மட்டுமே இருந்தார்கள் सिर्फ पुरुषों की संख्या 6 लाख से अधिक था அப்ப நெருக்கத்தின் நடுவில் இஸ்ரவேல் எப்படி பெருகினது என்று பாருங்க उसी देखो उसी दबाव की मध्य में इसराइल की प्रजा कैसे बढ़ गया देखो குடும்பமாக எகிப்துக்குள் போனார்கள் एक परिवार बनकर मिस्र में चला गया பெரிய தேசமாக வெளியே வந்தார் बहुत बड़ा देश और जाति बनकर वहां से बाहर आया தேவ பிள்ளைகள் அனுபவிக்கிற எல்லா உபத்திரவத்தினுடைய நிகழ்வும் இப்படி தான் இருக்கும் परमेश्वर के बच्चे जो कुछ उपद्रव के अंदर से जो प्रवेश करती है उसका अंत परिणाम ऐसे रहती है நாம ஒரு சிறிய அனுபவத்தில் இருக்கும்போது அதுக்கு छोटा அனுபவம் மேரே நெகி சமயம் சில உபத்திரவங்களுக்குள் போகிறோம் कुछ उपद्रव के अंदर से प्रवेश करते हैं அதை அனுமதிக்கிறார் कभी कभी परमेश्वर ही उसको अनुमति करता है और கூட்டம் நம்மை நெருக்கி கஷ்டப்படுத்துறார் बहुत बड़ी संख्या के लोग हमें दबाव में डाल सताते हैं அந்த குறிப்பிட்ட காலம் கடரும் பொழுது जो டராயவ समय को हम पार कर देते நாம் கர்த்தரை நோக்கி உண்மையாய் கூப்பிடுறவளாய் இருந்தால் अब परमेश्वर को देखकर सच्चाई से पुकारने वाला होगा तो அந்த உபத்திரவத்திலிருந்து வெளியே வருவோம் उस உபத்திரவ से बाहर आएंगे ஒரு சிறிய அனுபவத்திலே உள்ளே போயிருப்போம் एक छोटी अनुभव से अंदर गए होंगे பெரிய அளவிலே வெளியே கொண்டு வருவார் एक बड़ी अनुभव से प्रभु बाहर ले आता है हालेलुया हालेलुया அது மட்டுமல்ல केवल इतना नहीं நம்மை அதிலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்த உடனே हमें उनमें से बाहर लाने के बाद திரும்பி கொண்டு அந்த சத்ருவை நியாயம் தீர்ப்பார் फिर पलटकर प्रभु से शत्रुओं को न्याय करेगा இதுதான் தேவனுடைய ஒரு ஆச்சரியமான செயல் यह है परमेश्वर का आश्चर्य प्रकार का काम है என் பிள்ளையை இன்னும் மேன்மைப்படுத்த मेरे बच्चों को और भी आदर करने के लिए நான் அவனை அடிக்கிறதுக்கு பதில் मैं उसको मारने के बदले உன்னுடைய கையிலே அடிக்கும்படி தருகிறேன் तुम्हारे हाथ में देता हूं उसको मारने के लिए நீ என்னுடைய ஆயுதம் तू मेरा हथियार है நீ என் பிள்ளையை அடிப்பாய் तू मेरे बच्चों को मारेगा அதனால் என் பிள்ளை தன்னை தாழ்த்துவார் उससे मेरी बच्ची अपने आप को नम्र करेगा இன்னும் மேன்மை அடைவார் और भी आदर पाएगा என்னுடைய குறிப்பிட்ட அந்த நோக்கம் நிறைவேறின உடனே जब मेरी उद्देश्य का समय जो पूरा होती है என் பிள்ளை அடித்த உன்னை நான் அடிப்பேன் मेरे बच्चों को मारा तुझे मैं मारूंगा இதுதான் தேவனுடைய கிரியை यह है परमेश्वर का कार्य பைபிள் முழுசும் படிச்சு பாருங்க ये पूरा पवित्र शास्त्र पढ़कर देखो இப்படியே தான் செஞ்சிட்டு வரார் इसी प्रकार प्रभु करते आया है हालेलुया हालेलुया இன்றைக்கு நீங்கள் அனுபவிக்கிற அத்தனை உபத்திரவங்களுடைய இலக்கணமும் இதுதான் आज जो जितने सताव के अंदर से आप जाते हो उसका सबका परिणाम यही होती है அதனால உங்களை யாரா கஷ்டப்படுத்துறாங்கனா அவங்களுக்கு விரோதமா நீங்க எழும்ப வேண்டாம் इसलिए जो व्यक्ति आपके खिलाफ में आपको सताते आप उनके खिलाफ में उठने की जरूरत नहीं ஏனா அவனுக்கு ஒரு நாள் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது क्योंकि उनके लिए एक दिन ठहराया हुआ है அப்ப அவரே கொடுப்பார் उस दिन वही उसको बराबर करेगा நீ ஏன் அந்த வேலையை செய்ய போற ஓ காம் तुम क्यों करने के लिए நீ அடித்தால் எவ்வளவுதான் அடிப்ப तू मारेगा कितना मार सकता है அவர் கொடுக்கறத கொடுக்கட்டுமே वो जो देना चाहता वो देने दो நீ உன்னுடைய வாழ்க்கையை பார் तू अपना जीवन को देखो இந்த நெருக்கத்தின் நடுவில் நான் எவ்வளவு பரிசுத்தம் அடைய முடியும் ये दबाव के बीच में मैं और कितना पवित्र हो सकता நான் என் சுபாவத்திலே எவ்வளவு திருந்த முடியும் मेरे स्वभाव में कितना मैं बदल सकता हूं இன்னும் இயேசுவுக்காக எப்படி வாழ வேண்டும் और இயேசு के लिए मैं कैसा जीना है நமக்கு வருகிற உபத்திரவங்களிலே हमारे में आने वाले सारे उपद्रव நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் வளர வேண்டிய காரியங்களை பார்க்க வேண்டும் हम प्रभु में बढ़ने जैसे बातों पर ध्यान दे यार उपद्रव படுத்துறார்கள் என்பதெல்லாம் நமக்கு விஷயம் இல்லை कौन हमें उपद्रव देता है बड़ी बात नहीं हालेलुया हालेलुया दाविदै सीमेई उपद्रवपडुत्तिना दाऊद को सीमेई ने सताया சமயம் பார்த்து இருந்து அவன் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தினான் சமயம் மோக்கா தேக்கர் உன்னை उसको बहुत सताया ஒரு பெரிய ராஜாவாக இருந்த மனிதன் ஏ बहुत बड़ा राजा बनकर रहता था இன்னைக்கு என்னமோ மகனுடைய சூழ்ச்சியால அவர் வந்து நாட்டை விட்டு வெளிய போறார் அப்பி वर्तमान में उसके बेटा का कुछ बुराई के कारण देश को छोड़कर बाहर गया இவ்வளவு பெரிய ஒரு ராஜாவா இருந்த மனுஷன் அல்லவா इतना बड़ा राजा था ना இவன் பாருங்க அவர் மேல கல்லையும் மண்ணையும் வாரி வீசு देखो ये उसके ऊपर मिट्टी और पत्थरों को फेंकने लगा मौसम मौसमा पेश आके बुराई बुराई बातों से उसको उसको बोलने लगे தாவீதோடு கூட வந்தவர்களுக்கு கோபம் பயங்கரமாய் வருகிறது தாவூத் के साथ जो आते उनके ऊपर क्रोध आ रहा था வெட்டி கொண்டு போடலாம் उसको मार के खत्म करो தாவீது சொல்லுகிறான் தாவூத் ने कहा வேண்டா வேண்டாம் नहीं नहीं அவனை தொட கூடாது उसको छूना नहीं கர்த்தர் அவன் கையில இந்த நிந்தை அனுபவிக்க என்னை வைத்திருக்கிறார் परमेश्वर उसके द्वारा इस निंदा को सहने का करके प्रभु ने ठहराया அதை தேவன் எனக்கு நன்மையாய் முடிய பண்ணுவார் लेकिन प्रभु उसी को मेरे लिए भलाई के तौर से बदलेगा हालेलुया
Hallelujah. Hallelujah. தன்னுடைய நிந்தையின் நடுவிலே. உஸ்க நிந்தாக சமயப்பர். தன்னுடைய தோல்வியின் நடுவிலே. உஸ்க ஹராவா சமயப்பர். சத்ருவை பார்க்கல. சத்ருகோ நை தேகா. தேவனையே பார்த்தா. பரமேஸ்வரகோ தேகா. Hallelujah. Hallelujah. நாமும் அப்படிதான் செய்யணும். அம்பி ஐசே கர்ணாச்சே. யார் நம்மள நிந்திக்கிறாங்க? கோணமே நிந்தாகர்தா. யார் மூலம் பிரச்சனை வருது? கிஸ்கே துர சமஸ்யாதி. அவங்களுக்கு விரோதமா நம்ம மனசு போக கூடாது. உஸ்கே விரோதமே மர மன்னை ஜானாச்சே. நம்ம தேவனுக்கு நேராக நம்மளுடைய மனசு செலுத்து. அமரா மன் பரமேஸ்வரகோ சீதா கர்ணாச்சே. நீங்க ஒப்புக்கடாம இது நடக்காதப்பா. ஹே பரமேஸ்வர் ஆப் அனுமதி தேனே பிகர் ஏ மேரே ஜீவன் மே நஹி ஆயேகா. நீங்க அனுமதிக்காம பிசாசோ மனுஷனோ எனக்கு இதர வர முடியாது. ஆப்கி அனுமதிக்கு பினா சைத்தான் ஏ மனுஷ்ய மேரே கிலாப் மே நஹி ஆ சக்தி ஹே. நீங்க அனுமதிச்சிருக்கீங்க நான் இதல ஒரு நோக்கம் இருக்கு. ஆப்னி அனுமதி தியா ஹோ தூ இசிக்கு பீச்சே குச்ச உத்தேஜன ஹே. அந்த நோக்கம் நிறைவேறும் வரை நான் என்னை தாழ்த்துகிறேன். உஸ் யோஜனா பூரா ஹோனே தக் மை அப்னே ஆப் கோ நம்ர கர்தா. புடமிடுதலுக்கு என்னை நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். ஓ ஆப் முஜே சஃபாயி करने के लिए मैं अपने आप को सौंप देता हूं. அப்படி நாம் போகும்பொழுது தாவீதை போல உயர்வடையும். ஐசே हम जाने के समय पर दाऊद के समान हम भी ऊंचा किया जाएंगे. கொஞ்ச நாட்களுக்குள் தாவீது திரும்பி வந்தா. थोड़ा दिन के अंदर दाऊद वापस लौट आया. இப்ப சீமேயை ஓடி வருகிறார். अभी சீமேயை दौड़ कर आया. இப்ப கல்லும் இல்ல மண்ணும் இல்ல. अभी पत्थर भी नहीं मिट्टी भी नहीं. தமால்னு வந்து தாவீது கால்ல விழுறான். ஐசே ஆகர் दाऊद के पैरों के ऊपर साष्टांग से गिर गया. இது கர்த்தருடைய செயல். ये परमेश्वर का कार्य है. हालेलुया. हालेलुया. அன்னைக்கு வெட்டி போட்டுறான். उसी दिन उसको मार डालता तो இவன் என்னைக்கு வந்து கால்ல உள்ள முடியும்? ஏ ஆஜ் उसके पैर में गिर सकता क्या? பாத்தீங்களா? देखो தேவன் ஆச்சரியமாய் செய்வார். பரமேஸ்வர் ஆச்சரியத்தோர்சே காம் करता. ஒரு மனிதனுக்கு விரோதமாக நாம் செயல்பட வேண்டாம். हम किसी भी मनुष्य के विरोध में हम काम ना करें. நம்ம மனச ஒரு மனிதனுக்கு விரோதமாக மாற்ற வேண்டாம். हमारा मन को भी कभी भी किसी मनुष्य के विरोध में ना करें. நம்மளுடைய ஜெபங்களை கூட எந்த மனுஷனுக்கு விரோதமா செய்ய வேண்டாம். பிரார்த்தனை में भी कभी किसी के विरोध में प्रार्थना ना करें. கர்த்தர் அதை பார்த்து கொள்ளட்டும். பரமேஸ்வர் उसको देखने दो. ஹalleluya. பட்டணங்களை பட்டணங்களால் நிறைந்து கிடக்கிறது. பரி உயி ஹே. சில பட்டணங்கள்ல பட்டணங்கள்ல போனா வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது? கை ஷஹரோ மே ஜாயேகா தோ ஜிந்தகி கைசா ரஹதா ஹே. நம்முடைய தேசத்தை விட அமாரா தேஷ் சே படுகர் ஒரு 20 வருஷம் முன்னால போயிட்டு இருக்காங்க. ஏக் அமாரே தேஷ் சே 20 साल के आगे से चलता है. அப்படினா நீங்க யோசித்து பாருங்க. ஐசரே தாவ் थोड़ा सोच कर देखिए. பெரிய பட்டணங்க. कितने बड़े शहर हो. எவ்வளவு வசதிகள் நிறைந்த பட்டணங்க. कितने सुविधाओं से भरा हुआ शहर. ஆனால் ஒவ்வொரு பட்டணங்களுக்கும் கர்த்தர் நியாய தீர்ப்பு வைத்திருக்கிறார். लेकिन एक एक शहरों के लिए प्रभु न्याय का दिन रखा है. பட்டணங்கள் என்பது பெரிய ஜனகூட்டம் சேர்ந்து வாழுகிற இடம். शहर का मतलब क्या है? बड़ी-बड़ी जन समुदाय मिलकर जीने वाला जगह है. அந்த பட்டணங்களில் எத்தனை ஆசீர்வாதங்களை தேவன் கொடுக்கிறார். उस शहरों में कितने बड़े आशीषों को प्रभु ने रखा है. பல வசதிகளை மக்களுக்கு கொடுக்கிறார். இப்பர்க்க சுவிதாவும் கோ மனுஷுக்கு தேதா. அவர்கள் அதிலே வாழ்ந்து உயர்கிறார்கள். உன்மே ஜிந்தகி ஜீதே உன்மே சே படாய் பீ ஹோதே. எல்லாம் நல்லது. सब कुछ अच्छा है. ஆனால் ஒரு நாள் ஒரு நியாய தீர்ப்பு இருக்கிறது. लेकिन एक दिन न्याय का दिन है. உங்களுக்கு கிடைக்கிற வாய்ப்புகளையும் நல்ல காரியங்களையும் आपके जो मौका और अच्छी चीजों को பயன்படுத்தி நீ கர்த்தருக்காய் வாழ்வாய் என்றார். उसी का लाभ उठाकर उसका उपयोग करके प्रभु के लिए जिएगा. न्याय தீர்ப்பு நாளிலே நீ கனப்படுத்தப்படுவாய். न्याय का दिन आप आदरणीय आदर किया जाएगा. எல்லா வசதிகளையும் அனுபவித்து விட்டு सारी सुविधाओं का अनुभव करके கர்த்தரை விட்டு விட்டால் परमेश्वर को छोड़ देगा तो न्याय தீர்ப்பு நாளிலே வெட்கப்படுவாய். न्याय का दिन में लज्जित हो जाएगा. ये बातों को आज मनुष्य जाति जानना है. न्यायम दीर्घ वर्ग न्याय करने के लिए आने वाला परमेश्वर. பட்டணங்களை குறித்து பார்க்கும் பொழுது शहरों के विषय में देखने के समय 2 பேதுரு 2:6 சொல்லுகிறது. दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय छठवां वचन कहती है. அவர் சோதோமையும் கொமோராவையும் நியாயம் தீர்த்தார். சோதோம் கொமோரா को उन्होंने न्याय किया. சோதோமையும் கொமோராவையும் ரெண்டு பட்டணங்களை நியாயம் தீர்த்திருக்கிறார். சோதோம் கொமோரா दो शहरों को प्रभु ने न्याय किया. இந்த சம்பவம் நமக்கு தெரியும். ये संभव हम जानते हैं. ஆதியாகமம் 18
लोत्तुड़े कन्नुकुड़ा अदला पट्टुच्छ लूत की नजर भी उस पर लगी हुई थी अल्लाह येदेन तोटत बोले इरुको असि येदेन वाटिका के जैसा था आमा अदनाल एकिप्त बोले इरुको लेकिन वो अवर मिस्र के समान भी रहेगा अदनाल नाम पोरेन सोली अंग पोई उकांदा इसलिए मैं वहां जा रहा हूं करके वहां जाकर टर गया है हालेलुया हालेलुया कुछ योस्त पारंगे थोड़ा सोच कर देखिए नल्ला एकिप्त बोले चेलिपुदा अच्छा मिस्र के समान हरा भरी येदेन तोटत बोले चेलिपुदा येदेन वाटिका के समान हरा भरी आना मेला अग्नियों कंदकम निंदु कोण्डे रुकर एक ऊपर अग्नि और गंधक टरा है न्याय तीर्प मेला निंदु कोण्डे रुकर न्याय का समय ऊपर टरी है कत्ती वन तलम मेला तोंगी कोण्डे रुकर चूरी तेरे सर के ऊपर लटका हुआ है आना इंगे वना के नल्ला चेलिपु लेकिन यहाँ पर तुम अच्छा हरा भरी इधान इंद्रकी पट्टणंगली नलम यही आज शहरों का हालत देवने मरंद निर्करार परमेश्वर को भूल कर जी रहे हैं हालेलुया हालेलुया मक्कल एप्पडी देवने मरंद विटार मनुष्य ने कैसे परमेश्वर को भूल गया है रेंड वर्डंगलक मुंबु दो साल पहले अमेरिका देश में ओर इरव वानवली पयणत्ले नान इरुंदेन एक रात का समय आकाश में एक उड़ान में मैं रहता था नडु इरवले मध्य रात में सडन अंद फ्लाइट कंट्रोल पोई विटार अचानक उसी फ्लाइट अपना कंट्रोल को खो गया आगा आपत्तान सूलनले बहुत विपत्ति का समय அப்படி இப்படிமாக போக ஆரம்பிச்சு விட்டு உசி ப்ளேன் यहां वहां ऐसे की उलट पलट करने लगे அது நிறைய பேர் அந்த அமெரிக்கா தேசத்து சேர்ந்தவங்க தான் இருந்தாங்க उनमें से बहुत सारे अमेरिका के देश के लोग थे और அழுகையும் கூச்சலும் सब लोग रोना चिल्लाना ஆனா लेकिन அந்த அழுகையின் கூச்சல் நடுவுல उस रोना चिल्लाने के मध्य में ஒரு சத்தம் கூட இயேசுவேன் கேட்கல एक शब्द भी येशु करके नहीं सुनाया सिर्फ येशुன் தான் சொல்லல येशु करके नहीं बोला கடவுளேனா சொல்றாங்களா हे परमेश्वर करी तू बोलता है क्या அப்படி ஒரு பொது வார்த்தை கூட பேசல ऐसे सामान्य का एक शब्द भी नहीं सुनाया அன்றைக்கு ஆண்டவர் ஆச்சரியமாய் பாதுகாத்தா लेकिन प्रभु அற்புத ரீதி से बचाया ஆனா அந்த ஜனங்களுடைய அந்த காரியத்தை நான் நினைத்த பொழுது लेकिन उस लोगों की हालत को में देखते ही அந்த சந்ததி தேவனை நினைக்கவே இல்ல ஓ வம்ச परमेश्वर को याद ही नहीं किया இவ்வளவு பெரிய ஆபத்திலே கூட ஆண்டவரே கடவுளே ஒரு வார்த்தை கூட வரல விஸ்னா ஆபத்து விபத்தி க समय भी हे परमेश्वर हे ईश्वर करके एक शब्द किसी के मुंह से नहीं आया अयो अयो इंद कत्तुगरा सभी लोग हाय 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 करके चिल्लाया என்ன பரிதாபம் பாருங்க कितना बड़ी दुख की बात है வளர்ந்த நாடுகளுடைய நிலைமை இதுதான் बड़े-बड़े देशों का हालत ऐसा है தேருக்கு கிறிஸ்தவ நாடுனு சொல்லிக்குவாங்க நாம் की मसीह की देश करके कहते हैं உள்ள தெய்வீகமே இல்ல अंदर ईश्वरीयता बिल्कुल नहीं नास्तिक நிலைமை தான் இருக்கு जो ऐसे परमेश्वर नहीं ऐसा कहने वालों के नास्तिकवादी जैसा है இப்போ இனி வருகிற சந்ததிக்கு இப்ப ஒன்றுமே இல்லாமல் வந்து கொண்டிருக்கிறார் அபி जो வம்ச जो पीढ़ी जो आ रही है उनमें से थोड़ा भी ஈஸ்வரியதா नहीं है ஒரு சகோதரன் என்னோடு சொன்னார் एक भाई ने मुझसे कहा இங்க உள்ள பையமார்கிட்ட இயேசுன்னோ கர்த்தர்னோ ஒண்ணும் சொல்ல முடியாது யாக்கே बच्चों से यीशु या परमेश्वर करके हम बात नहीं कर सकते वो ஒண்ணு செவி கொடுக்க மாட்டாங்க वो हमें कोई बात नहीं सिखाते அதனால இவர் என்ன பண்றாரா इसलिए ये क्या कहता है அவங்களுக்காக ஒரு கிளப் உண்டு பண்ணியிருக்கார் उनके लिए एक क्लब बनाया எல்லாம் அவங்க சாப்பிடுற விஷயங்கள் उनमें खाने की बातें உடற்பயிற்சி செய்ய விஷயங்கள் शारीरिक कसरत करने के बाद वाला गेम्स எல்லாம் வச்சிருக்கிறார் जो खेल सब कुछ रखा है இதுகாக வருவார்களாம் इसके लिए आते हैं அப்படி வரும்பொழுது ऐसे आने के समय இவர் சிலரை தனியாய் கூட்டி பேசுவார் ये कुछ लोगों को अलग बुला के बात करता है எப்படி சொல்லுவாரா कैसे कहता है தம்பி ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் இருக்குது भाई एक सुपर कंप्यूटर है அது நீ செய்றதெல்லாம் பார்த்து ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது ஓ तुम जो कुछ करता है वो सब कुछ रिकॉर्ड करता है நீ செய்ற நல்லதுக்கெல்லாம் அது மார்க் போட்டுட்டு இருக்குது तुम जो कुछ भले अच्छे काम को उसको अच्छा मार्क देता है அதனால நீ அந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ல நல்ல மார்க் எடுத்தா தான் எதிர்காலம் நல்லா இருக்கும் तू उसी सुपर कंप्यूटर में अच्छा मार्क पाएगा तो तुम्हारा भविष्य अच्छा रहेगा இந்த காரியம் தப்பு இத செய்யாதே ये बात गलत है ये काम मत करो இப்படி சொல்லி கொடுப்பாரா ஐசு உனக்கு சிகாதே உடனே அத கேட்ச் பண்ணுவாங்களா तुरंत उसको पकड़ लेता है ना कंप्यूटर ने சொன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் की बात बोलने से बहुत इंटरेस्ट है இவர் இந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் னு சொல்லது ஆண்டவர் சொல்றது ये सुपर कंप्यूटर करके किसके बारे में कहता है वो परमेश्वर के बारे में कहता है அவர் உன்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் वो तुझे देखता है உன்னை தவறு உன்னுடைய நல்லதெல்லாம் அவர் குறித்து வைக்கிறார் तुम्हारा अच्छा काम बुरा काम सबको उन्होंने हिसाब रखता है அப்ப சிலர் அப்புறம் வந்து சொல்லுவாங்களா कुछ लोग आगे से आकर बताते हैं இப்ப இந்த கெட்ட பழக்கத்தை விட்டுட்டேன் அந்த கெட்ட பழக்கத்தை விட்டுட்டேன் मैं अभी ऐसा बुरे कामों को छोड़ दिया ऐसे गलत आदत को मैंने छोड़ दिया
பாருங்கள் அவர்களுக்கு ஆண்டவர் சொன்னா ஏகாது கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லி தான் ஆண்டவரே புகுத்த வேண்டியது இருக்கு உங்களுக்கு பரமேஸ்வர் கே சப்து बोलने से उनको समझ में नहीं आती है लेकिन कंप्यूटर का नाम बोलने से वो समझ पाते हैं செழிப்பு பெருக பெருக மனிதன் தேவனை மறந்து போகிறான் जिस प्रकार மனுஷன் ஹராபரி जो बढ़ जाती है मनुष्य परमेश्वर को भूल जाता है பட்டணங்கள் இப்படி தான் போய் கொண்டிருக்கின்றது शहरों की हालत ऐसे जाती है हालेलुया हालेलुया அதை சோதோம் குமாரா மேல் கர்த்தருடைய நியாய தீர்ப்பு வந்தது उस दिन சோதோம் குமாரா के ऊपर परमेश्वर का न्याय का दिन आई है ஆனா ரொம்ப ஆச்சரியம் लेकिन आश्चर्य की बात है அங்க இருந்தவங்க எல்லாம் தேவனை அறியாத ஒரு கூட்டம் वहां जो लोग रहते थे सब परमेश्वर को नहीं जानते थे ஒரே ஒரு லோத்து மட்டும்தான் நீதிமான் एक ही लूत धर्मी थे அவனோ முழு நீதிமான் சொல்லப்படல वो भी पूरा धर्मी करके नहीं कहा மனசாட்சியில் வாதிக்கப்பட்ட நீதிமான் अपने मन में सताया गया हुआ धर्मी ஏன்டா இங்க வந்துட்டனோ मैं क्यों यहां पर आ गया மாட்டிக்கிட்டனே ऐसे में फंस गया ஆபிரகாம் ஐயாவை விட்டு பிரிஞ்சிட்டனே मेरे இப்ராஹிம் ஐயா को मैंने छोड़ दिया है இப்படியே மனசாட்சியிலே வாதிக்கப்படுறவன் ऐसे रोज रोज अपने मन में सताया जाता था கடைசிலே சோதோம் குமாரா கழிவு வந்த பொழுது अंत में சோதோம் குமாரா को विनाश आया லோத்தின் குடும்பத்துக்கு அந்த लूत के परिवार के ऊपर भी वो नुकसान या विनाश आने वाले अब्राहम के परिंदु பேசுதல் ஜெபத்தை கேட்ட கர்த்தர் இப்ராஹிம் के बिनतिया गिड़गिड़ाना को सुना वो परमेश्वर லோத்தையும் குடும்பத்தையும் அந்த அழிவுக்கு காப்பாற்றி விட்டார் லூத் उसके परिवार को उस विनाश से बचाया ஆனாலும் அவன் போய் அவனுடைய சந்ததி தர்மராய் போன சரித்திரத்தை நாம பார்க்கிறோம் लेकिन आगे से हम देखें उसकी वंश ऐसे बिगड़ा हुआ मार्ग वंश में निकला है हालेलुया हालेलुया இங்கே இந்த லோத்தை பற்றி ரெண்டொரு வார்த்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்ப லூத் की विषय एक दो बात मैंने आपको कहा நல்ல ஒரு பரிசுத்தவானோடு வாழ்ந்தவன் एक अच्छे पवित्र व्यक्ति के साथ अपने जिंदगी जिया நல்ல முறையில் வழி நடந்தான் अच्छे मार्ग में चलता था ஒரு முறை एक बार இந்த ஆபிரகாம் எகிப்துக்கு போனார் இப்ராஹிம் மிஸ்ரமே चला गया और போய் இருக்க கூடாது மிஸ்ரமே नहीं जाना चाहिए அவருடைய வாழ்க்கையில் அது ஒரு தோல்வி இப்ராஹிம் के जीवन में आ जीवन में आया आरा अनुभव எகிப்துக்கு போனார் மிஸ்ரமே गया ஆனால் அங்க இருந்து மீண்டும் வந்து விட்டார் लेकिन वहां से वापस बच के आ गया தேவ மனிதனுடைய ஒரு சின்ன சறுக்குதல் परमेश्वर का मनुष्य का छोटा सा पैर फिसला हुआ अनुभव அவர் திரும்ப எழும்பி கொண்டார் फिर उठ गया है ஆனா लेकिन இவர் எகிப்துல போல நாட்களிலே जो மிஸ்ரமே गया वह दिनों में லோத் எகிப்தை நல்லா பார்த்தான் लूत मिस्र को अच्छा देख लिया बड़ा वो नाइल नदी ओडी शलीपा कर देश इतना नाइल नदी बहते हैं देश को हरा भरी बनाती है मनस कुल्ला उन्हें एलम बदे उनके मन में एक बात उठती है अब्राहम इंदमारी और इड़तला इरकलाम लिया ये इब्राहिम ऐसे एक स्थान में रह सकता था ये देखो इपड़ी काल में तू सौंदर्य के चुम्मा सुती टेर कर क्यों जो कदम अपने पैर रखा हुआ जमीन में तुझे दूंगा अगर वचन को मानकर क्यों ऐसे घूमता फिरता रहे कुड़ारा अड़ित कुड़ारा वासिया तंगी टिकरा ऐसे जो छोटे छोटे तंबू बनाकर तंबू के वासी बन के रहता है आने की एगिप्त को फोटो पिछड़ी मनसल वचिकता उस दिन मिस्र का एक फोटो क्रॉप करके अपने मन में रख दिया इधर को मेल है इसके ऊपर ஆபிரகாம் அடிக்கடி லோத்தோடு பேசுவார் இப்ராஹிம் வாரம் வார லூத் से बात करता था ஆதாம் ஏவாள் கதையெல்லாம் சொல்லி கொடுப்பார் ஆதாம் और हव्वा के कहानियां सब बताते थे ஏதேன் தோட்டத்தின் செழிப்பெல்லாம் சொல்லி கொடுப்பார் ஏதேன் வாட்டிகா के हराभरी अनुभव को बताते थे இதுவும் அவனுக்குள்ள போட்டோவா இருக்கு ये बात भी उनके मन के अंदर फोटो कैमरा फोटो बन के रखा இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திலே अभी एक டராயவ சமயம் இனி ஆபிரகாமோடு இருக்க வேண்டாம் अभी இப்ராஹிம் के साथ नहीं रहना நம்முடைய ஆஸ்தி பெருகி விட்டது வம் சரி उनके धन संपत्ति बढ़ गया अब ஆபிரகாமும் சொல்லுகிறார் இப்ராஹிம் भी कहने लगे சரி நீ உன் வசதியான இடத்தை தெரிந்து கொள் तुम जो त्वरली जो अच्छा लगती है वो जगह को तो भाई तू चुन ले இவன் உடனே இதாங்க சான்ஸ் கிடைச்சு அப்படினு சொல்லி उसने तुरंत अच्छा मौका मिला करके समझ के तन கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்க अपने नजर उठा के देखा சோதோம் குமாரா அவனுக்கு தெரிகிறது சோதோம் குமாரா उसको दिखता है அவ மனசுக்குள்ள படத்துக்கு இது ஒத்து இருக்குது जो मन में जो फोटो जो रखा था उससे उससे जुड़ी हुई है எகிப்துக்கு எகிப்தா தெரியுது ஏதேனுக்கு ஏதேனா தெரியுது மிஸ்ர के लिए मिस्रवन के दिखती है वो इजिप्त सॉरी सॉरी ஏதேன் के लिए ஏதேன் के अंदर दिखती है அநேகருடைய வாழ்க்கை இப்படி தான் மோசமா போகிறது आज बहुत से लोगों का जिंदगी ऐसे ही बिगड़ जाती है वाली तवरी போகிறது मार्ग भटक जाता है लोत என்ன பண்ணியிருக்கணும் लूत क्या करना चाहिए ஆபிரகாம் நீ தெரிந்து கொள்னு சொன்ன உடனே இப்ராஹிம் आप सुन लीजिए करके बोलते समय ஐயா நீங்க சொல்லுங்க நான் எங்க போகணும் ஐயா जी आप बताइए मैं कहां जाऊं அப்படி இல்ல ஆலோசனை கேட்டிருக்கணும் வைசு ਨੇ सलाह लेना चाहिए था ஏற்கனவே இந்த பிக்சர் இவனுக்குள்ள இருக்கு लेकिन लूत के अंदर पहले से ये तस्वीर उसका मन में है செழிப்பு அராபரி உலக செழிப்பு दुनिया के அராபரி உலகத்தினுடைய ஐஸ்வரியம் दुनिया का धन இது இவனுக்கு உள்ளத்துல வந்திருச்சு ये उसके मन के अंदर आ गया पहले அதனால தான் ஆபிரகாம் கிட்ட ஆலோசனை கேட்கல इसलिए இப்ராஹிம் से सलाह नहीं लिया உடனே தன் இஷ்டப்படி தெரிந்து கொண்டான் तुरंत अपनी मर्जी से उसको
चुन लिया ले वो कार्यों कोड़ा ना सोल्ला ना मैं एक बात में आपको बता सकूं अनेक विश्वासीगल ने की तैसे ही मार रहा विषयों इधर था बहुत से विश्वासी आज अपना मार्ग भटकने के कारण ये है तो सोदोम गोमोरा विन चलिप इसी सोदोम गोमोरा का हरा भरी एगिप्त को उत्तर कर दे मिस्र से जुड़ी है एदेन को उत्तर कर दे एदेन से भी जुड़ी है பாத்தீங்களா देखो ஏதேன் என்பது தேவனுடைய தோட்டம் ஏதேன் मतलब प्रभु का बहिज वाटिका எகிப்து என்பது உலகம் मिस्र मतलब दुनिया உலகமும் இருக்கு दुनिया भी है தெய்வீகம் இருக்கு ஈஸ்வரியதா भी है நல்லா இருக்கு अच्छा है இன்றைக்கு ஆவிக்குரிய உலகம் இப்படி தான் திசை மாறி போகுது आज आत्मिक मंडल इसी प्रकार मार्ग बट गया है நாம் ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டும் बहुत सावधान से रहना है இந்த அழிந்து போகிற உலகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கவில்லை நாஸ் होने वाले इस दुनिया का जो जो सब कुछ जो आशा बातों को पाने के लिए प्रभु नहीं बुलाया दुनिया के ऊपर से कोई ढाक हमारे पर ना लगे करके प्रभु हमको बुलाया हालेलुया हालेलुया आज बहुत लोग क्या विचार करते हैं अभिषेक ज्ञान स्नान पड़ना उदार पाना बपतिस्मा लेना अभिषेक पाना आना वलद कैले दैवीकता अनुभविकनो इडद कैले उलगते अनुभविकनो दैने आत्मे ईश्वरीयता का अनुभव करना बाई साइड में दुनिया का अनुभव करना ज्ञायतिकलम दैवीकता अनुभविकनो மற்ற ஆறு நாள் லௌகிகத்தை அனுபவிக்க ரவிவார் காதின் ஈஸ்வரியத்தை ஆத்மிகத்தை அனுபவ கரனா பாக்கி சேதின் உன்னை துனியாக்கு அனுபவ கரனா நீ ஆவிக்குரிய வட்டாரங்கள் இப்படி தான் திசை திரும்பி போயிருக்கின்றது ஆத்மிக மண்டல் காலத்து ஐசிகி பதல் गया है விழிப்பு ஜபம் என்று சொல்வார்கள் ஆ ராத் கா பிரார்த்தனை बोलते हैं ஆனால் முழுவதும் உலகத்துக்கான ஜபமா தான் இருக்கு पूरा दुनिया के लिए करने वाली प्रार्थना होगा பணத்தை தாரும் அதை தாரும் இதை தாரும் அதை தாரும் पैसा दीजिए वो दीजिए ये दीजिए பரிசுத்தத்துக்காய் ஜப குறிப்பு இருக்கிறதா பவித்திரத்தா के लिए प्रार्थना का विषय है ஜீவிய சீர்திருத்தத்துக்காய் இருக்கிறதா जीवन के सुधराव सुधराव के लिए कुछ प्रार्थना का विषय है उपवास मणि जब बार गए उपवास करके प्रार्थना करता है अवलोकन जब गुरु पूरा दुनिया के लिए प्रार्थना எங்கே போகிறது कहां जाती है அபிஷேகம் வல்லமையாய் இருக்கிறது அபிஷேக சாமர்த்தியக்கு தோர்சே அபிஷேகமாய் நல்ல ஆயுதத்தை அபிஷேக நாம கா एक अच्छी हथियार को உலக பொருளுக்கு பயன்படுத்துறார் दुनिया के चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं இது ரொம்ப சங்கடமான விஷயம் बहुत दुखी की बात है हालेलुया हालेलुया நாம் எப்பொழுதே கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிற அபிஷேகத்தையும் வசனத்தையும் தெய்வீகத்தில் வளரிறதுக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் பரமேஸ்வர் जो वचन जो अभिषेक हमें दिया है उसी हम ईश्वरीय भक्ति में बढ़ने के लिए हम इस्तेमाल करना है அப்பொழுது நமக்கு தேவன் வைத்திருக்கிற நன்மையும் கிருபையும் தானாக நம்மை பின்தொடர்ந்து வரும் பரமேஸ்வர் हमारे लिए भलाई जो अनुग्रह जो रखा है वो हमारा पीछा अपने आप आ जाएगा हालेलुया हालेलुया தேவ பிள்ளைகளே பிரிய பரமேஸ்வரர்களே நீங்கள் பெற்றிருக்கிற விசுவாசம் अपने पाए विश्वास அபிஷேகம் अभिषेक தேவ வல்லமை பிரபு கா சாமர்த் இதெல்லாம் தெய்வீகத்தில் வளரிறதுக்கு பயன்படுத்துங்க ஈஸ்வரிய தாமே ஆத்மிக பக்தியிலே படனே के लिए உபயோகம் இவைகளை கொண்டு உலக பொருள சம்பாதிக்கிறதுக்காக நீங்க பிரயாசப்படாதீங்க இதே द्वारा दुनिया की बातों को कमाने के लिए ना इस्तेमाल करें ஒரு முறை சிங்கப்பூர் ஏர்போர்ட்ல एक बार सिंगापुर एयरपोर्ट में ஒரு போட்டி நடந்தது एक ऐसे खेल चलता था ஒரு ஜெட் பிளேன் ஒரு பக்கம் एक साइड में जेट प्लेन இன்னொரு பக்கம் ஒரு அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கார் दूसरा एक बाजू में ஸ்போர்ட்ஸ் கார் ரெண்டுலயே எது ஃபர்ஸ்ட் போகும் அப்படினு பார்க்கிறது போட்டி இன் दोनों में से पहले कौन पहुंचेगा करके एक खेल அந்த ரன்வேல फ्लाइट போகிறது இந்த ரன்வேல கார் ஓடுறது जो जेट अपने रनवे में अपना रोड में दौड़ती है जो कार अपना रोड में दौड़ती है அவர்கள் குறிப்பிட்டிருந்த அந்த இடத்துல जो उन्होंने जो ठहराया उसी जगह में द कार फर्स्ट போயிடுச்சு ये कार पहले पहुंच गया है फ्लाइट लेटर தான் வந்துச்சு जो फ्लाइट पीछे से आया फ्लाइट தோத்து போச்சு फ्लाइट அர गया है ஆனா लेकिन फ्लाइट அந்த இடம் போறேன்னா நின்னு கார் அந்த இடம் தாண்டன பிறகு நின்னுட்டான் சோ கார் ஓ जगह जाते ही उन्हें जो रुक गया फ्लाइट அந்த இடம் தாண்டனனே ஏறி மேலே போயிட்டே இருக்கான் फ्लाइट फ्लाइट जो क्या किया वो जगह पार करते ही ऊपर उड़ के चलने लगे இதான் வித்தியாசம் ये है फर्क அன்னைக்கு அந்த फ्लाइट விட பவர்ஃபுல் இன்ஜின் இந்த காருக்குள்ள மாட்டி இருக்கு உஸ்தின ஓ फ्लाइट से पावरफुल इंजन ये कार के अंदर था இவ்வளவு पावरफुल इंजन இருந்தாலும் इतना पावरफुल इंजन रहने से இந்த கார் காலமெல்லாம் தரையில தான் ஓடுவான் ये कार ऐसा जिंदगी भर रोड पर ही दौड़ेगा भूमि குறியவன் वो पृथ्वी का है ஆனால் இந்த ஆகாய விமானம் लेकिन इस आकाश में उड़ने वाला विमान அன்னைக்கு அந்த காரை விட இந்த இன்ஜின் வந்து கொஞ்சம் கம்மி இது பவர் உள்ளது जो कार से उस इंजन थोड़ा कम पावर वाले थे ஆனா ஐயோ இந்த இந்த फ्लाइट வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் வந்தானே மேலே ஏறி लेकिन ये फ्लाइट अपना रनवे में दौड़कर थोड़ा समय होते ही ऊपर उड़ गया ஏன்னா அது வானத்து குறிய மேனி क्योंकि आकाश की वस्तु है பார்த்தீர்களா देखो இன்றைக்கு நாம் எப்படி இருக்கிறோம் आज हम कैसे हैं நமக்கு பயங்கரமான அபிஷேகம் கிடைத்திருக்கிறது அது बहुत अच्छा अभिषेक मिली है நல்ல விசுவாசம் வந்திருக்கிறது अच्छा विश्वास आई है பயங்கரமான ஜெப அனுபவங்கள் இருக்கிறது பிரார்த்தனைக்கு அனுபவம் आई है ரொம்ப பவர்ஃபுல் இன்ஜின் தான் உங்களுக்கு பவர்ஃபுல் இன்ஜின் है
எதற்காக பயன்படுத்துறீங்க? किसके लिए इस्तेमाल करते हो? பூமியிலே வாழ்றதுக்கா? ये पृथ्वी में जीने के लिए? இல்ல. नहीं. द फ्लाइट हमारी மேல எழும்பிறதுக்கு பயன்படுத்துறோம். ये फ्लाइट के समान पर उड़ने के लिए इस्तेमाल करना है। हालेलुया हालेलुया இந்த ரெண்டையும் நீங்க கம்பேர் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ये दोनों को तुलना करके देखो। எவ்வளவு வல்லமையும் ஹை ஸ்பீடு இன்ஜினியர் இருந்தும் இந்த காருக்கு ஏன் எழும்ப முடியல? इतना सामर्थ्य हाई स्पीड मतलब तेजी से भागने वाला इंजन उसके अंदर होकर भी वो उड़ नहीं पाया। அது குறிப்பிட்ட இடம் வந்தானே எழும்பிருச்சு। वो तो टराय वह समय आते ही उड़ गया है। ஒரே ஒரு காரியம் एक ही बात है। அது அதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டது। वो उसी के लिए बनाया गया है। இது பூமிக்காக வடிவமைக்கப்பட்டது। ये पृथ्वी के लिए बनाया गया है। विश्वास சிகளை நீங்கள் எதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள்? பிரிய விசுவாசியோ ஆப் किसके लिए बनाया गया है? நீங்கள் பரலோகத்து போறதுக்கு வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கீங்களா? சொர்க்கம் जाने के लिए बनाया गया है। உலகத்துக்குரியவளா இருக்கும்படி வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கீங்களா? யேசு துன்யாக்கே பண்கே रहने के लिए बनाया गया है। நான் உலகத்தான் அல்ல என்று இயேசு சொன்னார். இயேசு ਨੇ மை இஸ் जगत का नहीं। இவர்களும் உலகத்தார் அல்ல என்று நம்மை பார்த்து சொன்னார். ஏ லோக இஸ் दुनिया का नहीं। இயேசுடையவர்கள் உலகத்தார் அல்ல। जो मसीह में है वो दुनिया का नहीं। உலகத்திலே நாம் அந்நியரும் பரதேசிகளும். इस दुनिया में मुसाफिर हम यात्रिक है परदेशी। நம்முடைய குடியிருப்பு பரலோகத்தில் இருக்கிறது। हमारा रहने का स्थान स्वर्ग में है। அந்த வடிவமைப்பு நமக்குள் வர வேண்டும். इस बनावट हमारे अंदर आना चाहिए। அந்த தரிசனங்களும் திட்டங்களும் நமக்குள் இருக்க வேண்டும். ये दर्शन और योजना हमारे अंदर आना चाहिए। நம்முடைய ஜெபங்கள் எல்லாம் நம்மை மேலே நோக்கி தூக்க வேண்டும். हमारा प्रार्थना में ऊपर ऊपर उठाना चाहिए। அபிஷேகம் எல்லாம் நம்மை மேலே நோக்கி தூக்க வேண்டும். ये அபிஷேகம் को ऊपर ऊपर उठाना है। ஹalleluya ஹalleluya விசுவாசம் எல்லாம் மேலே போறதுக்காக हमारा विश्वास ऊपर जाने के लिए। ஆகவே தேவ பிள்ளைகளே இதிலே கவனமா இருங்க। இஸ்லே பரமேஸ்வர் के बच्चे इन बातों में ध्यान दे। லூத் நினைச்சா லூத் ने सोचा ரெண்டும் நல்லாவே கிடைக்குது। दोनों ही अच्छा मिलती है। 50-50 கிடைக்கும். 50-50 தெய்வீகம் கிடைக்கும் லௌகீகம் கிடைக்கும். ஈஸ்வரத்யாபி ஈஸ்வர ஈஸ்வரியதாபி मिलती है दुनिया भी मिलती है। அத தேடி போய் கடைசில என்ன கிடைச்சது? उसको ढूंढते ढूंढते गए अंत में उसको क्या प्राप्त हुआ? நீ அக்கினியிலிருந்து காப்பாற்றப்பட்டோம் வாழ்க்கை தார்மாரா போயிருச்சு। तू अग्नि से बचाया गया लेकिन तुम्हारा जिंदगी बिगड़ गया है। உத்தரிந்து கொள்ளுதல் சரியில்லை என்றால் तुम्हारा चुनाव सही नहीं रहेगा। நீ உன்னை நடத்துறவளுடைய ஆலோசனை கேட்கவில்லை என்றால் तुम्हारा अगुवाई करने वाले लोगों की मार्गदर्शन की बात को नहीं सुना। தேவன் உனக்கு வைத்த திட்டத்தை நீ மிஞ்சி போனாய். परमेश्वर तुम्हारे अंदर जो योजना रखा है उसे पार कर दिया। तू निक முடியாது பிரதர். हम कड़ा नहीं रहेंगे भाई। நிலை நிக்க முடியாது சிஸ்டர். வேணும் கடா நெய் ரே பாயेंगे கண்டிப்பாய் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிந்தே ஆகணும். ஜெரூரம் பரமேஸ்வருக்கு ஆக்ஞையா மன்னாய் சாய். ஹalleluya ஹalleluya பெற்றோடு ஆலோசனை கேட்காம வீட்டை விட்டு போகும் பிள்ளைகள் சோ மா பாப் கி பாத்தோ கோ நா सुनने वाले अपने घर से जाने बच्चों சபையில அடங்கி இருக்காமல் ஓடி போகிறவர்கள் கலிசியா மே பனரன छोड़कर भागने वाला बच्चों என்ன இஷ்டப்படி இந்த காரியத்துக்காக அந்த பட்டணத்துக்கு போறேன் அங்க போறேன் இங்க போறேன் போகிறவர்கள் मेरे मर्जी से मेरी इच्छा से वो शहर में जाता हूं वो गांव में जाता हूं ऐसे जाने वाली लोगों உங்கள் மனம் போல செய்யாதிருங்கள் अपने मनमानी मत करो மனம் திரும்புங்கள் மன் फिरो கர்த்தருடைய வழியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் பரிசுத்தர்க மார்க்குக்கு ஃபாலோ கர்த்தருடைய வழிக்கு உங்க வாழ்க்கையை ஒப்புக்கொடுங்க பரிசுத்தர்க மார்க் अपने जीवन को सौंप दो கர்த்தர உங்களுடைய வழிக்கு திரும்ப பார்க்காதீங்க பரிசுத்தர்க आपका मार्ग में घुमाने के लिए मत ஒரு போதும் அப்படி செய்ய மாட்டாய் कभी भी ऐसा नहीं करना நீ அவருடைய வழியிலே திரும்ப तुम उसके मार्ग में पलटाओ லோத் ஒரு பெரிய எச்சரிப்பு லூத் हमारा जीवन में हमारे लिए एक सूचना है லோத்தின் மனைவி ஒரு பெரிய எச்சரிப்பு லூத் की पत्नी हमारे लिए सावधानी है பட்டணமே அழிந்தது शहर पूरा नाश किया गया। हालेलुया 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 पट्टणங்களை கர்த்தர் நியாயம் தீர்க்கிறார் शहरों को परमेश्वर न्याय करेगा। மத்தேயு சுவிசேஷம் மத்தேயு ரட்சி சுசமாச்சாரம் 10 அதிகாரம் 10வது அத்தியாயம் 14-15 வசனங்களிலே 14-15 வசனமே இயேசு சொன்னார் இயேசுனே कहा சில பட்டணங்கள் कुछ शहर தேவ ஊழியக்காரரை மதிக்காததனாலே कुछ शहर परमेश्वर के सेवकों को आदर नहीं किया इसलिए தேவ ஊழியரோட வார்த்தைகளை கேட்காததனாலே परमेश्वर के सेवकों बातों को नहीं सुना इसलिए न्याय तीर्पु वरुम என்று கூறினார் उनको न्याय का दिन आएगा करके प्रभु ने कहा। அதாவது நாம் பட்டணங்களிலே போய் சுவிசேஷம் அறிவிக்கும் போது हम शहरों में जाकर सुसमाचार हम प्रचार करने के समय அந்த பட்டணம் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளாமல் போனால் जो वो शहर हमको स्वीकार नहीं किया तो கால்களில் படிந்த தூசி அங்க உதறி விட்டு வாருங்கள் என்று சொன்னார் பேரோ में लगी धूल को वहां जाड़कर आओ करके प्रभु ने कहा। हालेलुया हालेलुया எதற்காக அப்படி சொன்னார்? இஸ் கியூ பிரபு இயேசு ने कहा அந்த தூசியே அவர்களுக்கு விரோதமான சாட்சியாய் இருக்கும் அவர் பேரோ में लगी जा धूल उनके लिए गवाही बनेगा। हालेलुया हालेलुया
उंग यवनायिलु उंगले एत्तुकोल्लामल अगर किसी ने तुम्हारा स्वीकार नहीं किया उंगल वार्तेगले एत्तुकोल्लामल तुम्हारा बातों को अस्वीकार किया इरंदाल अवरगलुक्कु न्याययतीर्पुंडु ऐसा लोगों को न्याय का दिन है न्याय है हालेलुया हालेलुया एक अनेक देवंडे पुल्लेगले एंग तरुकुल वराद एंग ग्रामत्तुकुल वरादनु सोल्रांग आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के लोगों को सुसमाचार सुनाने वाले लोग हमारे गांव में मत आओ हमारे गली में हमारे चाल में मत आओ करके बोलता है अनाल नानल यीशु पड़ी चली रख रहा है लेकिन मैं नहीं मेरे यीशु ने ऐसा कहा है हालेलुया हालेलुया देवनाल अनुभव पड़ कर देव ने उड़ी रख परमेश्वर के द्वारा भेजा जाने वाले परमेश्वर का सेवक लोग यीशु क्रिस्ट ने नर्चे दी सुमंद चल कर रहा यीशु मसीह की सुसमाचार को ले जाते हैं उनको रक्षक उंड तुम्हारे लिए उद्धार करता है उनका सिलुवेल मरित यीशु उंड तुम्हारे लिए क्रूस पर मरा हुआ यीशु है इन यीशु वे அறிவிக்கும்படி போகிறவர்கள் ऐसे यीशु के बारे में प्रचार करने के लिए जाते हैं அவர்களை என் வீட்டுக்குள்ள வராத उन्हें मेरे घर पर मत आओ என் தெருவுக்குள்ள வராத हमारे गली में मत आओ கிராமத்துல வராத हमारे गांव में मत आओ என்று சொல்கிறார்கள் ऐसे लोग कहते हैं ஆனால் அவர்களுக்கு நியாய தீர்ப்பு உண்டு என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் उनके लिए भी एक न्याय का दिन है करके परमेश्वर कहता है அந்த பட்டணங்களுக்கு நியாய தீர்ப்பு உண்டு उस शहरों के ऊपर प्रभु का न्याय आएगा ஆண்டவர் ஒவ்வொரு இடத்திலும் அதை சொல்லி வருகிறதை प्रभु अनेक जगह पे इन बातों को बताता है ऐसे करके हम देखते हैं पत्ता अधिकार तले इधर पति सुनली रख रहा दसवां अध्याय में प्रभु इसके बारे में कहा अब रो पदिनों ड्राम अधिकार नहीं पाती की ना उसके बाद ग्यारह अध्याय पे पढ़े हाथों इरुवत्ती वंदी इरुवत्ती रंड वचन अंगल ले ग्यारह अध्याय इक्कीस और बाईस वचन में कोरासीने कोरासीन बेत्साइदावे बेत्साइदा उंगलिल सेयप्पट्ट बलत्त सेइगैगल तुझ में जो किया हुआ बड़े बड़े काम तीरु पट्टणत्तिलुम सीदोन पट्टणत्तिलुम सेयप्पट्टिरुंददा यसूर अवर सौदा शहर में किए हो तो अवंग अंद मक्कल इदुक्कुल्ल रट्टुडुत्ती सांबल्ल उक्कांदु मनम तिरुम्बिरुप्पांगा तभी वो लोग ने लाल कपड़ा पहने अपने राग में बैठ के मन फिरता था अप्पो उन्निडत्तिल वंदु नान इव्वलव अर्पुदंगलै सेइद पिरगु मैं तेरे पास आके इतने चमत्कारों के काम किया कण काण அற்புதங்கள் நடந்த பிறகு तेरी आंखों के सामने சின்ன चमत्कार को दिखाया நீ உன்னை தாழ்த்தவில்லை तू अपने आप को नम्र नहीं किया நீ மனம் திரும்பவில்லை तू मन नहीं फिरा அதனால इसलिए न्याय தீர்ப்பு நாளிலே न्याय का दिन में என்னை என்னை என்னுடைய அற்புதங்களை காணாத பட்டணங்களை பார்க்கிலும் जो मेरे चमत्कारों को नहीं देखा ऐसे देशों से बढ़कर இவ்வளவு பலத்த செய்கைகளை கண்ட உனக்கு இந்த பட்டணத்துக்கு அதிக தீர்ப்பு உண்டு इतने बड़े-बड़े कामों को देखा शहरों को इतनी बड़ी सजा आ जाएगा हालेलुया हालेलुया இன்னும் 12ஆம் அதிகாரத்திலே उसके बाद 12 अध्याय में அங்கே 41வது வசனத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது 41 வசனம் படிக்கும் சமயம் பார் அங்கே சொல்கிறார் वहां पर कहता है யோனாவின் પ્રસંગத்தை கேட்டு நினிவே பட்டணத்தார் மனம் திரும்பினார் நினிவே के लोग न्याय के दिन इस यू के लोग नू के शब्दों को सुनकर मन फिरा இதோ யோனாவிலும் பெரியவர் இங்கே இருக்கிறார் देखो योना से बड़ा यहां पर है அதனால நியாய தீர்ப்பு நாளிலே इसलिए न्याय का दिन में நினிவே பட்டணத்தார் இந்த சந்ததியாரோடு எழுந்து நின்று இவர்கள் மேல் குற்றம் சுமத்துவார் யூஸ்துமே நினிவே के लोग इन लोगों के साथ उठकर उनको न्याय करेगा யோனாவை கண்ட யோனாவை கேட்ட நினிவே மக்கள் மனம் திரும்பினார்கள் योना की बातों को सुने निनिवे के लोग ने मन फिरा ஆனால் யோனாவை விட பெரியவராய் நானே நேரடியாய் வந்தும் நீங்கள் மனம் திரும்பவில்லை யோனா से जो बड़ा ओकर मैं आया तो भी तुम लोग मन नहीं फिरा ஆகவே உங்களுக்கு நேரிடுகிறது அதிகமாக இருக்கு इसलिए तुम्हारे पास जो आया वो बहुत बड़ी कठिनाई से रहेगा இப்படி தொடர்ந்து இயேசு கிறிஸ்து பட்டணங்களோட நியாய தீர்ப்பை குத்து சொல்லி கொண்டிருந்தார் इस प्रकार लगातार यीशु मसीह शहरों के ऊपर आने वाले न्याय के विषय में प्रभु बताता है ஆகவே இது முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதை நாம் அறிகிறோம் इसलिए इस बात बहुत முக்கியता से भरा हुआ सप्त करके हम जानते हैं இயேசு கிறிஸ்து ஒவ்வொரு பட்டணங்களோ போய் ஊழியம் செய்தார் यीशु मसीह एक-एक शहरों में जाकर सेवा किया சிலர் ஏற்றுக்கொண்டால் சிலர் कुछ लोगों ने स्वीकार किया कुछ लोग अस्वीकार किया समारिया इन ग्राम तले और एक बड़ी वरवेरपु समरूरी गांव में यीशु का बहुत बड़ा स्वागत हनाल गलीलिया इन नासरे तूर ले वरवेरप ले लेकिन गलीलिया और नासरेत में उनका कोई स्वागत नहीं था इपड़ी ताने रंद दे ऐसा थे कर्तर पटनंगले कुरित एचित दुगंडे वंदा परमेश्वर शहरों के उसमें सावधानी करते आया पटनंगले का निगल जबी किम बुलदों इन शहरों के लिए आप लोग प्रार्थना करने वार्ते गले गवनी तो जबम बढ़ना वेंड बातों पर ध्यान रख के प्रार्थना करना पटनों देव उड़ियरे वरवे डान சொல்ல கரதோ कौन सा शहर परमेश्वर के लोगों को आने के लिए मना करता है இந்த தேவனுடைய வார்த்தை உங்களுக்கு வேண்டாம் சொல்லுகிறதோ ये परमेश्वर का वचन हमें नहीं चाहिए करके कहता है அவைகளுக்காய் ஜெபிக்க வேண்டும் उनके लिए हम प्रार्थना
सत्तार को न्याय सेयनु सबको न्याय करना है कोडुम सेय कूडा किसी का बुराई नहीं करना कर्तर के एदरान अदु ये बात परमेश्वर का विरोध में है इंद वीटिलुम इंद पटनतिलुम वर कूडा कोई भी घर में ऐसे शहर में ऐसा अनुभव नहीं आना ये पटनंगल कोडुमयाल नरंबी कोंड शहर पूरा धर्म से भरी हुई है संडयाल नरंबी झगड़ा से भरी हुई है वो वीटना नाम पेसनो मुदल्ले अपने परिवार को पहले सुधारना इतने बड़े वीट ला संडा नडकत कितना घर में झगड़ा होती है कतोडे न्याय तीर बिरगर प्रभु का न्याय का दिन है द वीट चंडा इन कुडा रमाय माचुव दिया तुम्हारा घर को झगड़े का तंबू कौन बनाता है उनका आंडो समाधान तीन कुडा रमा के लवा तंदा तुम्हारा घर को शांति का तंबू करके प्रभु ने बनाया उन वार्ते दान संडे उंडा कर दे तुम्हारा जबान की सप्त के झगड़े को उत्पन्न करती है सूर्य नालंदा संडे उंडा कर दे स्वार्थपन है झगड़े को उत्पन्न करती है आत्र कुणम संडे उंडा कर दे तुम्हारा जो उतावली का गुण झगड़े के कारण बनती है अर्थ न्याय तीर्पा परमेश्वर न्याय करेगा हालेलुया हालेलुया द वीटनी संडे कलमाई माचा दे तुम्हारा घर झगड़े का मैदान मत बनाओ அந்த வீட்ல இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் கஷ்டம் उस घर में रहने वाला सबके लिए तकलीफ பக்கத்து வீட்ல இருக்கறங்களே पड़ोस में रहते हैं அவங்கலாம் இத கேட்டிட்டு இருக்காங்க ஓ सब इन बातों को सुनते हैं ओ கிறிஸ்தவனுடைய வீடுன்னா அப்படி சண்டையா தான் இருக்குமோ ஓ மசீ கா घर बोले तो झगड़ा ही होगा क्या பெந்தேகோஸ்காரங்கன்னா இப்படி தான் இருப்பாங்களோ ये பெந்தேகோஸ்தலோ बोले तो ऐसे रहेगा क्या என்ன வந்தாலும் அந்த பக்கம் பேர கூடாது कुछ भी करके वो लोगों के पास कभी नहीं जाना இப்படி தீர்மானம் எடுப்பாங்க ऐसे पड़ोस वाले फैसला लेते அதுக்கு காரணம் யார் उसका कारण कौन है இதெல்லாம் சிந்திக்க வேண்டும் ये बात को ध्यान करना चाहिए இவனக்கே பிரியமாய் நடவாமல் तू अपने कूत का प्रिय मत बनकर मत चलो பிறருக்கு டரல் உண்டாக்காமல் நடந்து கொள்ள வேண்டும் जो दूसरे के लिए टोकर का कारण ना बने करके जीना है வீட்டை சண்டையால் நரபாதிருங்கள் घर को झगड़ा से मत भराओ உங்க தெருவ சண்டையால நரபாதீங்க आपके गली को झगड़ा से मत भराओ கர்த்தர் நியாயம் தீர்ப்பார் பரமேஸ்வர் நியாய கரேகா பட்டணத்திலே கொடுமை இருக்க கூடாது சண்டை இருக்க கூடாது शहर में अधर्म नहीं रहना झगड़ा नहीं रहना இரத்தபொழிகள் खून की दोष நாகூம்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாகூம் के पुस्तक में लिखी है இன்னைக்கு இந்த தேசத்தில் எவ்வளவு இரத்தபொழிகள் आज देश में कितने खून की गवाह கொலைகள் கொள்ளைகள் जो खून हत्या चोरी अडिगल சண்டைகள் झगड़ा मारामारी பயங்கரமான இரத்தம் சிந்துதல்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது லகுபஹானி की घटना होती है எல்லாவற்றுக்கும் நியாய தீர்ப்பு உண்டு सबके बदले में न्याय का दिन रक्तम सिंधिनाल कर्तर अदरक कनक केटपा खून बहाएगा तो परमेश्वर उसी के लिए हिसाब मांगेगा काइन आबेलोडे रक्तते सिंधिना काइन आबेल का खून को बहाया कर्तर वंद केटा प्रभु ने आके पूछा नी एन्ना चैदाय तुमने क्या किया नी एन्ना चैदाय तुमने क्या किया सहोदर नेंगे तेरे भाई कहां वंद केटा आके पूछा केल्विक मुन्नाल अवनाल निक मुडिया वो सवाल के सामने तुम कड़ा ना रह पाएंगे कर्तर सबितार इसलिए परमेश्वर उनको श्राप दिया मदल सभी के पट्टा मनुष्य काइन पहला परमेश्वर का श्राप को पाया वो काइन कोलेगार काइन वो कू कू कूनी काइन आदम निमित्तम भूमिये सबितार आदम के कारण पृथ्वी को श्राप दिया ना नेरडिया नी सभी के वटर पाए इंदा वार्त काइन के तलेले दा इरंगना तू श्रापित होगा करके कहवा सामने से सीधा कहवा सत्य काइन के सर पर आया तान उंडाकिन मनिदनई सग मनिदन अळिक कूडादन बदे सृष्टिकर विरुंबुगरा परमेश्वर जो मनुष्य के बनाया उस मनुष्य अपनी हाथों से उसको नहीं मारना करके प्रभु ने चाहा और रत्तन चिंददलिल उनोडे कई इरक कूडा किसी का खून बहाने में तुम्हारा हाथ नहीं रहना है हालेलुया हालेलुया सलर पारंग போய் அடித்து கொல்ல மாட்டாங்க कई लोग ऐसा करते कोई जाके उन लोगों को मार करने गिराएगा नाविनाले கொன்னு போடுவாங்க उसके जबान से मारते हैं இவங்க பேசுற வார்த்தையால ஒருத்தன் தூண்டப்பட்டு அங்க போய் குத்தி கொல்லுவான் जो इन्हें कहवा बातों के द्वारा एक व्यक्ति उठाया जाते हैं वो दूसरे सामने के को मारके मारेगा கத்தி எடுத்து குத்துறவனுக்கும் இரத்தபொழி உண்டு நாவினாலே இத உண்டாக்கி விட்ட உனக்கும் இரத்தபொழி உண்டு जिसने चाकू लेकर मारा उनको भी न्याय आएगा इन बात को जिसने भड़काया उसको भी प्रभु का न्याय आएगा हालेलुया हालेलुया ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்க வேண்டும் ஓ சாவதான से रहना चाहिए வாயில் வந்தபடி பேச கூடாது ऐसे मुंह में आती वैसे बात नहीं करना சில பேச்சுகள் கொலைபாதகத்தை உண்டாக்கி விட்டுரும் कुछ बात कूनी की घटना में खड़ा कर देती है हालेलुया हालेलुया தேவ பிள்ளைகள் ஞானமாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும் परमेश्वर के लोग बुद्धिमान बनके चलना है இந்த சோதோம் கொமோராவை பற்றி சொல்லும்போது இந்த சோதோம் அவர் கொமோரா के बारे में पढ़ते समय அக்கிரமம் அதர்மம் அதனுடைய அழிவுக்கு காரண அக்கிரமம் उस नहर के विनाश का कारण अधर्म है तमिल ले क्रमम என்ற வார்த்தை ஒழுங்கு என்பதாகும் தமிழ் में क्रमम क्रमम करके जो शब्द जो आती है उसका मतलब शिस्त அந்த
अक्रमम ना अदुक्कु अपोजिट अधर्म मतलब उसका विरोध का विमूल्य शब्द अब अक्रमम என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் अग्रम करके शब्दक अर्थ ஒழுங்கற்ற நடக்கு जो बिना शिस्त डिसिप्लिन के बिना जिंदगी அதுதான் சோதோம் குமரா அழிவுக்கு காரணம் ये है सुदोम गोमोरा का विनाश की कारण தேவன் நம்மை படைத்தவர் ஒழுங்குகள் வைத்திருக்கிறார் हमें बनाई वह परमेश्वर को शिस्त को रखा है மனித வாழ்க்கையில எல்லா இடத்துக்கும் ஒழுங்கு சொல்றார் மனுஷ के समुदाय सब जगह में कुछ शिस्त को बताता है ஒருவன் ஒருத்திய விவாகம் பண்ணு एक व्यक्ति एक स्त्री से विवाह करना அதோடு நீ கடைசி வரை வாழு उसी के अंत तक जिंदगी जीना ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணை தான் விவாகம் பண்ணணும் एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करना இதெல்லாம் தேவன் வைத்த ஒழுங்கு ये सब प्रभु ने रखा हुआ नियम है சோதோம் குமாரால என்ன நடந்தது சோதோம் குமார में क्या होता था ஆணுக்கு ஆண் அவலட்சணமானதை செய்தார்கள் एक पुरुष के साथ गंदे काम किया स्त्री की स्त्री அவலட்சணமானதை செய்தார்கள் स्त्री स्त्रियों के साथ गंदे काम किया ஒழுங்கை உடைத்தார்கள் जो शिस्त को नियम को तोड़ दिया அக்ரமம் அதர்ம அக்ரம பெருகின பொழுது அதர்ம படனே கேபா அக்கினி இறங்கினது அக்கினி உத்தரக்கே ஆயா தேவன் ஒழுங்குகளை விரும்புகிறார் பரமேஸ்வர் சித் சிஸ்த் கோ ஜானதா ஹalleluya ஹalleluya இந்த வேதத்தின் விஷயங்களை நான் சொல்லும் பொழுது இந்த பவித்திர சாஸ்திரக்கு நியமோக்கே விஷயமே हम जो कहते हैं பட்டணங்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது நம்மை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும் शहरों के विषय में कहा जाती तभी हम हमारे बारे में सोचना है हमारे வாழ்க்கையிலே தேவன் வைத்த ஒழுங்குகளை மீறக்கூடாது हमारा जीवन प्रभु ने जो नियम जो रखी है उसका उल्लंघन नहीं करना எந்த ஒழுங்கையும் நாம உடைக்க கூடாது किसी भी आदेश को या नियमों को हम तोड़ना नहीं चाहिए தேவனுக்கு பயந்து நடக்க வேண்டும் परमेश्वर से डर के चलना அக்ரமம் பெருகினால் நிச்சயமாய் தேவன் தண்டிப்பார் அதர்ம बढ़ने से निश्चय परमेश्वर का दंड आएगा இப்படி பட்டணங்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ऐसे शहरों की विषय में लिखी हुई है நான்காவதாக चौथा கர்த்தர் சபைகளையும் நியாயம் தீர்க்கிறவராய் இருக்கிறார் परमेश्वर கலசியாவோ को भी न्याय करने वाला है பிரைஸ் தி லார்ட் ஹalleluya இது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கிறது ये बहुत आश्चर्य की बात है சபைகளை கூட அவர் நியாயம் தீர்க்கிறார் கலசியாவோ को भी प्रभु न्याय करता है சில காரியங்களை பார்க்கலாம் कुछ बातों को देखेंगे और वचन वासेंगे एक वचन को पढ़ेंगे 1 पेदुरु पहला पत्रस 4:17 चार का 17 न्याय तीर्पु देवनुடைய வீட்டிலே துவக்கும் காலமாய் இருக்கிறது न्याय परमेश्वर घर से आरंभ किया जाने के समय है मुंदी நம்மிடத்திலே அது தொடங்கினால் पहले हमारे में से वो शुरू किया जाएगा तो தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை கீழ்ப்படியாதவளை முடிவு என்னமா இருக்கும் பரமேஸ்வருக்கு சுசமாச்சார கி ஆக்ஞா நை மானா उसका अंत क्या होगा हालेलुया हालेलुया முழு உலகத்தை நியாயம் தீர்ப்பார்னு சொன்னோம் सारे पृथ्वी को न्याय करेगा करके मैंने कहा जातिகளை எல்லாம் நியாயம் தீர்ப்பார்னு சொன்னோம் जातियों को न्याय करेगा करके मैंने पढ़ा பட்டணங்களை எல்லாம் நியாயம் தீர்ப்பார்னு சொன்னோம் शहरों को न्याय करेगा करके मैंने पढ़ा தன்னுடைய சொந்த சபைகளை கூட நியாயம் தீர்க்க अपना खुद का कलिसिया को भी प्रभु न्याय करेगा சபை என்பது தேவனுடையது कलिसिया है परमेश्वर का है தேவன் பூமியிலே கிரியை செய்யிறதுக்கு தான் சபையை உண்டாக்கினார் परमेश्वर पृथ्वी में कार्य करने के लिए कलिसिया को बनाया சபை என்பது தேவனுடைய வீடு ये कलिसिया बोलेगा तू परमेश्वर का घर है அதிலே தேவனுடைய ஒழுங்கு இருக்க வேண்டும் वहां परमेश्वर का नियम होना चाहिए தேவனுக்கு பயந்து நடக்க வேண்டும் परमेश्वर से डर के चलना है பரிசுத்த ஆவியின் சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டும் பவித்திர ஆத்மாக்கு आवाज को सुनकर चलना चाहिए பரிசுத்த வசனத்தின் சத்தியத்தின்படி சபை நடக்க வேண்டும் பவித்திர वचन की सच्चाई के अनुसार कलिसिया चलना चाहिए தேவனை மகிமைப்படுத்தி சபை நடக்க வேண்டும் परमेश्वर को बढ़ाई करके कलिसिया चलना है இவைகளெல்லாம் இல்லை என்றால் इतने ये सब बातें ना होगा तो சபையை நியாயம் தீர்க்கவும் அவர் தயங்க மாட்டார் अपना कलिसिया को न्याय करने के लिए कभी भी प्रभु नहीं समय लेगा ஆகவே தேவ பிள்ளைகளே நாம் அதிக கவனத்தோடு சபையிலே நடந்து கொள்ள வேண்டும் इसलिए प्रिय परमेश्वरகளோ को हम बहुत डरते हुए हम अपना कलिसिया में चलना चाहिए சபை கூடி வரும்பொழுதெல்லாம் தேவ பயம் நிறைந்திருக்க வேண்டும் जहां हम कलिसिया में इकट्ठा होकर आते हैं तभी हमारे अंदर पूरा प्रभु का डर से रहना चाहिए சபையை நான் முன்னின்று நடத்துகிற எங்களை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் कलिसिया में सामने खड़ा रहकर चलाने वाला हम लोग को देखते हैं ஆனால் எங்களுக்கு மேலாக இருந்த சபையை நடத்துகிறவர் இருக்கிறார் हां लेकिन हमारे ऊपर रहकर ये कलिसिया को चलाने वाला है அவர் சபையின் தலை वो है कलिसिया का सर அவர் இயேசு கிறிஸ்து वो இயேசு மசீ அவர் நியாயம் தீர்க்கிறவராய் இருக்கிறார் वो न्याय करने वाला है हालेलुया हालेलुया சபைகளை நியாயம் தீர்க்கிறவர் कलिसिया को न्याय करने वाला இஸ்ரவேல் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பழைய ஏற்பாட்டு சபையாக இஸ்ரவேல் பரமேஸ்வர் के द्वारा चुनी हुई
हुई पुराना नियम का कलिसिया था अनाल वंद सामुएल नान की रुवत रंडले पार करो पहला सामुएल चार की बावीस में पढ़ते हैं और नाल देवन उड़े ये पेट्टी पड़ी पट्टा दे एक दिन परमेश्वर का संदूक पकड़ाया गया महिमा इस्राएल विट वेला हित महिमा इस्राएल से हट गई हालेलुया हालेलुया कर्तर उड़े सबई के वंद वेदने पारेंगे परमेश्वर के कलिसिया में आया हुआ संकट को देखो देवन उड़े उड़न पड़ी के पट्टी इन बदे वाला मैं उड़ा दे परमेश्वर के मिलाप वाले संदूक है सामर्थ से भरी है इधर ये युद्ध तक पहुंच बोल दे कुंड पोवार के इसी को जब लड़ाई में युद्ध में जाते समय इन्हें ले जाता है इन्हें अंदर उड़न पड़ी के पट्टी इन मेल कृपासन में रख रहा है उसी मिलाप वाले संदूक के ऊपर कृपासन है अंदर कृपासन तीन मेल देवन इरंगी तंगी रखा उस कृपासन में परमेश्वर उतर के आकर वास करता था अब वे उड़न पड़ी के पट्टी मुन्नाले तूकी कुंड पोवार इसलिए मिलाप वाले संदूक को आगे चलने वाले लोग उठा के ले जाते देवन अवरलुक मुनसलगरार परमेश्वर उनके आगे चलता है उसका मतलब அந்த யுத்தம் ஜெயிக்கும் उस युद्ध में लड़ाई में विजय पाता ஒரு முறை एक बार பிலிஸ்தர் குரோதமா யுத்தம் நடந்து கொண்டிருந்த பொழுது பிலிஸ்தியோ के विरोध में जब लड़ाई हो रहा था இஸ்ரவேலர்கள் இஸ்ரவேலர்கள் தோற்கின்ற நிலைக்கு வந்து விட்டார் இஸ்ரவேல் की प्रजा हर जान जैसा आ गया है உடனே சிலர் சொன்னார்கள் तुरंत किसी ने कहा கர்த்தருடைய பெட்டியை கொண்டு வருவா परमेश्वर का संदूक को ले आओ அப்ப நமக்கு யுத்தம் ஜெயிக்கும் हम युद्ध में जीतेंगे உடனே கொண்டு வந்தார்கள் तुरंत ले आया நடந்தது என்னவென்றால் क्या हुआ அந்த வல்லமையான பெட்டியையே பிலிஸ்தன் பிடித்துட்டு போயிட்டான் उसे सामर्थ्यशाली संदूक को ही फिलिस्तीनियों ने पकड़ कर ले गया क्या संगड़मान कार्य क्या संकट की बात है देवनुடைய பரிசுத்தமானதை परमेश्वर की पवित्रता महिमையானதை महिमा से भरा शत्रु கொண்டு போயிட்டா शत्रु ले गया है காரணம் காரண சபை சரியாக இல்லை கலுசியா சரி नहीं था தேவ பிள்ளைகள் சரியில்லை परमेश्वर के बच्चे सही नहीं था சபை கூடும் இடத்திலே அக்கிரமம் அநியாயம் கலுசியா में इकट्ठा होकर आने के जगह में अधर्म है ஏலியின் பிள்ளைகளால் வந்த அநியாயம் ஏலி के बच्चों से आया वह कुकर्म நாம் கவனமா இருக்க வேண்டும் सावधान से रहना है சபையிலே கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் உண்டா இருக்க வேண்டும் கலுசியா में परमेश्वर का पवित्रता होना चाहिए தேவ பிள்ளைகளே சபை பயபக்தி குறிய இடம் हे प्रिय लोगों கலுசியா பயபக்தி से हम चाल चलन करने की जगह சபைக்குள்ள என்ன நோக்கம் தோடு வருகிறீர்கள் கலுசியா में क्या उद्देश्य आते हैं வாலிபனே கன்னிகையே ஜவானோ ஜவானியோ சபைக்குள்ள என்ன நோக்கம் என்னவா இருக்கிறது கலுசியா में तुम्हारा उत्तेजन क्या है உடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கிறது तुम्हारा कर्तव्य कैसा रहती है உடைய பார்வைகள் எப்படி இருக்கிறது तुम्हारा नजर कैसा रहता है நோக்கங்கள் என்னவா இருக்கிறது तुम्हारा विचार कैसा रहता है தேவனுக்கு பயப்பட வேண்டும் परमेश्वर से डरना चाहिए சபைக்குள்ள வச்சு வந்து இந்த மொபைல்ல விளையாடி கொண்டிருக்காங்க तो கலுசியா के अंदर बैठे की मोबाइल से खेलता है சபைக்குள்ள வச்சு போன் வந்தேன இப்படி இப்படி பேசி கொண்டிருக்கிறார் கலுசியா के अंदर बैठे की मोबाइल को रख रहा है ऐसे झुक के बात करता है என்ன தேவ பயம் உனக்கு இருக்குது யா பிரபு கட்டார तुम्हारे अंदर है இது கர்த்தர் உலாவுற இடம் அல்லவா பிரபு மண்டலானி के जगह है மக்கள் எல்லாம் கர்த்தரை ஆராதிக்க வல்லவா வந்திருக்கிறார்கள் लोग प्रभु की आराधना करने के लिए आया है अन्य कार्य செய்ய கூடாது உள்ளாலே अन्य कार्य के लिए கலுசியா में जगह नहीं है हालेलुया हालेलुया வேற ஏதேதோ செய்து கொண்டிருக்க கூடாது और दूसरा कोई गलत काम नहीं करना देवन को भयपड़वीरगला परमेश्वर से डरना चाहिए हालेलुया हालेलुया चलो சொல்லுவாங்க कुछ लोग ऐसा कहते हैं पास्टर पास्टर ஓ இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணுக்கு இந்த பையனை பார்க்கறோம் ऐसा एक लड़का के लिए वो लड़की को हम देखते हैं உங்க சர்ச் ஆராதனையில வந்தா பாத்துறலாமா आपका कलुसिया की आराधना में आएगा तो देख सकते हैं நான் சொல்ல அங்க வராதீங்க तो मैंने कहता वहां मत आओ வீட்ல ஏதா ஒழுங்கு பண்ணி பாருங்க तो किसी का घर में ऐसा समय இல்ல आराधना இல்லாத சமயம் அங்க ஒழுங்கு பண்ணி பாருங்க नहीं तो कलुसिया में जब आराधना नहीं ऐसा समय पर आकर देखो आराधनेக்கு आराधனை நோக்கத்தோட தான் வரணும் आराधना में आराधना का विचार के साथ அங்க பொண்ணு பார்க்கற நோக்கம் மாப்பிள்ள பார்க்கற நோக்கத்துல வரக்கூடாது वहां लड़की देखना लड़का देखना इधर इरादा से नहीं आना देव भय मिलिया नमक हमको परमेश्वर का डर नहीं क्या सब என்பது எதற்காக கலுசியா किस काम से என்ன நம்மோ நோக்கத்தை செய்வதற்காக क्या क्या बुरे काम करने के लिए नहीं हालेलुया हालेलुया அன்றைக்கு தேவனுடைய ஆலயத்தை வியாபார குகையாய் மாத்தி இருந்தார்கள் उन दिनों में परमेश्वर के आराधनालय को व्यापार का स्थल बनाया கர்த்தர் சாட்டை கையில் எடுத்துட்டார் प्रभु कोड़ा को हाथ में लिया காசுகாரம் பலகெல்லாம் கவுழ்த்தி போட்டுட்டார் பைசல தந்தை வியாபாரியோ का पैसा का सब गरो सब गल्ला सब प्रभु ने उल्टा कर दिया ஆடு இந்த புறா எல்லாத்தையும் அவிழ்த்து விட்டார் கபுத்தர் பேடு பக்கரியா सबको प्रभु ने भगा दिया हालेलुया हालेलुया அவர் என்னையாவது
अंदर रोमर के लोग बात जाव कर दारा कभी प्रभु परमेश्वर ने रोमियो को देखकर प्रभु कोरना को लिया आवर के लोग बात लान जाव कर गए उनको देखकर कोरना को नहीं लिया तन संद पड़ लेगा अपने कूद के बच्चे शरीर लामर गम बढ़ दे जो सही नहीं रहते कहिला साव कर दा तब प्रभु आत्म में कोरना को लिया हालेलुया हालेलुया रंबो मुख्य मान विषय बहुत मुख्य बात है यन मगने मेरा बेटा यन नहीं निंदी करवाने के नान मरु उत्तर को गुड़कम जो मेरी निंदा करता उसको मैं जवाब देने के लिए नी ज्ञानवान ஆகி என் இதயத்தை சந்தோஷப்படு तू ज्ञानी बनकर मेरे हृदय को खुश करो பிரதான் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஐசா பிரபு ਨੇ कहता है நான் என்னை நிந்திக்கிறவனுக்கு மறு உத்தரவு கொடுக்கணும் मेरा जो निंदा करता है उसको मैं न्याय करने के लिए அதுக்கு நீ என்ன செய்யணும் उसके लिए तू क्या करना நீ ஞானவானாய் நடந்து கொள் तू ஞானவான் बन जाओ நீ என் இதயத்தை சந்தோஷ मेरे हृदय को आनंदित करो அப்பொழுது நான் எழும்பி சத்துருவுக்கு நியாயம் செய்வேன் मैं उठकर शत्रु का न्याय चुकाऊंगा ஹalleluya ஹalleluya தேவ பிள்ளைகளே பிரிய பிரபு के लोगों நாம் கர்த்தருக்கு முக்கியத்துவமானவர்கள் हम परमेश्वर के मुख्य लोग हैं நாம் கர்த்தரை எப்பொழுதும் அக்கிரம நினைத்து துரோகங்களை துராலோசனைகளை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆராதனாலயக்கு துவார் மே புரே காமோ கா விசார் கர்க்கே யே அதர்ம கே காமோ கியா கர்தே தே தேவனுடைய மகிமை ஆலயத்தை விட்டு விலகி மலையில் போய் பரமேஸ்வர் கி மகிமா ஆராதனாலயக்கு छोड़कर पहाड़ में जाके रुक गया கர்த்தர் உன் அக்கிரமத்தோடு ஒத்து போக முடியாது பரமேஸ்வர் तुम्हार அதர்ம கே साथ मिलकर नहीं चलेगा உன் துராலோசனையோடு கர்த்தர் ஒத்து போக முடியாது तुम्हार बुरा इरादा के साथ प्रभु मिलकर नहीं चल सकता है विश्वासी आगे देव पुल्लेगल तोड़ जीवित ते कात कोल्ला बैंड विश्वासी करके कहने वाले परमेश्वर के बच्चे अपना जीवन को संभालना है आराधन के मुड़ी कर्तर दंद साबये निंगल पाद कात कोल्ला बैंड आराधन करने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ अपना कलसिया को आप संभालना चाहिए ये पड़ी पाद कात बैंड कैसे संभालना है नल्ला साक्षी नाले अच्छा अपना गवाही के द्वारा हालेलुया हालेलुया नल्ला नडके नाले अच्छे चाल चलन से साबये निंगल पाद कात कोल्ला बैंड कलसिया को संभालना है कितने सारे गांव में कलुसिया नहीं पल मकल केटपार बहुत लोग पूछेगा எங்க ஊர்ல ஒரு சபை கட்டுங்க हमारा गांव में कलुसिया बांधो எங்களுக்கு ஒரு மிஷனரி அனுப்புங்க हमारे लिए मिशनरी को भेजो செல்ல ஆள் இல்ல போக ஆள் இல்ல मिशनरी ऐसे जाने के लिए लोग नहीं है அங்க சபை கட்ட நம்மளால முடியல वहां कलुसिया बांधने के लिए हमके ताकत नहीं है அவர்கள் ஆதாம் காலம் முதல் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு சபையை தங்கள் கிராமத்துல காணவே இல்ல वो आदम का समय से अब तक अपने गांव में एक कलुसिया को नहीं दे அப்படி இருக்கறாங்க மக்கள் லோக் ஐசி ஆலத்துமே அத நடுவில் உங்களுக்கு ஒரு சபை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் उसके बीच में परमेश्वर आप लोग को कलिसिया दिया है எவ்வளவு மேன்மையா நீங்க அங்க நடந்து கொள்ள உஸ் கலிசமே कितना ஆதர் பாவு के साथ चलना है ஹalleluya ஹalleluya அத்தோட மகிமை சபையில தங்கி இருக்கணும் परमेश्वर की महिमा कलिसिया में वास करना है அதுக்கு நாம காரணர்களாக उसके लिए हम कारण बनना है ஆமென் ஹalleluya நம்முடைய முழங்காலின் ஜெபங்கள் हमारा घुटने की प्रार्थना சாட்சியின் ஜீவியங்கள் கவாயிகா जीवन நம்முடைய கிறிஸ்தவ நல்ல ஒரு நர்சாட்சி हमारा मसीह की जीवन के अच्छे गवाही இதுதான் சபையை நிலைநிறுத்தும் यह है कलिसिया को खड़ा करती है ஹalleluya ஹalleluya ஒரு சபையை குறித்து நான் இப்படி ஒரு சாட்சி கேள்விப்பட்டேன் एक कलिसिया के विषय में ऐसे गवाही को सुना ஒரு சின்ன அனுபவத்துல இருந்து அது வளர்ந்தது एक छोटा अनुभव से बढ़ के आया அருமையான குடும்பங்களை அங்கே தேவன் தந்தார் कुछ अच्छे परिवारों को प्रभु वहां पर दिया எல்லாரும் விசுவாசத்துல நல்லா வளர்வார் सब लोग विश्वास में अच्छे बढ़ते थे அது ஆரம்பித்து நடத்தின ஊழியக்காரர் சொன்னார் उसको आरंभ किया हुआ सेवक ने कहा ரெண்டு பாட்டிமார் தான் ஐயா இது காரணம் सिर्फ दो दादी लोग है इसका कारण है तो पार्टी मार्ग पढ़ीपे कड़ियाँ ये दादी लोग पढ़ाई लिखाई नहीं किया अनाम चली उड़ कर तो अब ये कह पा लेकिन जो कुछ हम सिखाएंगे वो ध्यान से सुनते थे आंटा वो उड़ा जब भी क्या पढ़ाई डांग परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए सीख गया और चल रहा है वो कहता है और पार्टी उड़े वीट विजिट पढ़ना पोयर करा एक दिन एक दादी माँ का घर में उससे मिलने के लिए गया विधवा अम्मा तनी आगे वाल करा रहे लंदा वीट वो विधवा दादी अकेला अपने घर में जिंदगी जी करती थी और पोई पार्ता और नेर मुलांगाल जोमनी कुंडे इरंदार वो जाकर देखा वो सीधा घुटने में खड़ा कर प्रार्थना
सेवक ने क्या कहा, ये दादी को हम परेशान ना करें, डिस्टर्ब ना करें, दूसरा एक जगह में जाकर वापस हम आएंगे करके सोच कर गया। रेंडु मणि नेरम ताण्डि वंदा, दो घंटे के बाद वापस आया, मरुबडियुम अदे मुळंगाल अप्पडि निंडु कोंडे इरुक्कार, फिर भी वो घुटने में ऐसे कड़ी थी। इवर तोंदरो पणाम वीट्टुक्कु वंदुट्टार, ये सेवक ने उसको तकलीफ ना दे करके वापस ना घर में आ गया। अप्पुरम अंद अम्मा कूप्पिट्टु केट्टारा, तो उस दादी माँ से बुला कर पूछा, मादिरि वंदेन, मैं आपका घर में आया, इंद मादिरि काट्चि रेंडु मुरै पार्त्तेन, दो बार ऐसी बातों को आपके घर में देखा, ये एव्वलो नेरम जोम पण्रींगे, आप कितने घंटा प्रार्थना करती है। अंद अम्मा वेक्कप्पट्टे सोन्नांगला, ओ दादी थोड़ा शर्म से कही, सुम्मा ओरु एट्टु मणि नेरम पण्णुवेन ऐया, ऐसे का आठ घंटा में प्रार्थना करता हूँ, ओरु नाळैक्कु एक दिन में सुम्मा ओरु एट्टु मणि नेरम जपम, ऐसे का आठ घंटा में प्रार्थना करता हूँ, एप्पडि इरुक्किरदु, कैसा है देखो। अंद रेंडु पाट्टिमारे कोंडु दान अंद सभैय कट्टिनारनु ऊळियर साक्षी कोडुत्तार, उस सेवक ने गवाही दी, ऐसे दादी को लेकर, ऐसे दो दादियों के द्वारा प्रभु ने कलिसिया को बनाए करके गवाही दिया। हालेलुया, हालेलुया, இந்த மாதிரி பட்ட தேவ பிள்ளைகளாய் நாம் வளருவோம், இஸ் பிரகார் கே பரமேஸ்வர் கே பச்சே பன்கர் ஹம் பி படேங்கே। 84 வயதான அன்னாள் என்கிற விதவை, 84 நாம் கே 84 சால் கே அண்ணா நாம் கா விதவா, உபவாசத்திலும் ஜெபத்திலும் தினந்தோறும் இருந்தார்கள், உபவாசவர் பிரார்த்தனமே பிரதிதின் சமய பிதாய், ஆமென், ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya। நாம் அவிதமாக சபைகளிலே காணப்படுவோம், ஹம் வைசே ஹி கலுசியா மே ரேனா சாய், சபைகளை நியாயம் தீர்க்கிறார், கலுசியா கோ நியாய கர்த்தா ஹை। இந்த சாலமோனுடைய தேவாலயம் எவ்வளவு மகிமையாய் கட்டப்பட்ட ஆலயம், சுலைமான் கி ஆராதனை ஆலய கித்னா மகிமா பரி ஆலய பன்கே பாந்தா கயா। ஆனால் ஒரு நாள் தேவ ஜனங்கள் வழி விலகி போன பொழுது, லேக்கின் ஏக் பார் பரமேஸ்வர் கி பிரஜா மார்க் பட்டக்னே கே பார், அந்த ஆலயத்தை ஆண்டவர் நேபுகாத்நேச்சர் கையில கொடுத்தார், உஸ் ஆராதனை ஆலய கோ பரமேஸ்வர் நேபுகாத்நேச்சர் ராஜா கே ஹாத்மே சோப் தியா, உடைத்து வந்துமில்ல மலாக்கி விட்டா, उसको तोड़ कर चूर चूर कर दिया है। அப்புறம் சர்பாபேல் அந்த ஆலயத்தை திரும்ப கட்டினா, उसके बाद சர்பாபேல் फिर उस आलय को पुनर्स्थापन किया। காலங்கள் தாண்டின பொழுது, समय बीत गया, திரும்பவும் தேவ ஜனங்கள் தேவனை விட்டு விலகின பொழுது, फिर भी परमेश्वर के प्रजा परमेश्वर को छोड़कर गया, அந்த ஆலயம் அந்நியர்களால் இடிக்கப்பட்டது, उस आराधना अन्य लोगों की तरह तोड़ा गया। ஏரோது ராஜா மகா ஏரோது ஆலயத்தை அதிலே கட்டினான், மகா ஏரோது फिर से आराधनालय बनाया, அதுதான் இயேசு கிறிஸ்துவின் காலத்தில் இருந்த ஆலயம், वो यीशु मसीह के समय पर की आराधनालय है। தீத்துராயனுடைய காலத்திலே, தித்து ராஜா தித்து के समय पर, அந்த ராயன் தீத்து ராயனுடைய காலத்திலே அந்த ஆலயமும் இடிக்கப்பட்டது, தித்துஸ் நாம் கே சேனாபதி கி சமய பர் உஸ் ஆராதனை ஆலய பி கிராய கயா, பலவ மகிமையாய் கட்டப்பட்ட ஆலயங்கள், இத்தனை மகிமா சே பனை ஆராதனை ஆலய, தேவனை ஒப்பு கொடுக்கிறார், பரமேஸ்வர் கி சோப் தே, சபை சபையாக இருக்க வேண்டும், கலசியா கலசியா பண்கிறேனா, இல்லாவிட்டால் அதற்கு தேவனை சத்ருவாய் மாறி, நைத்து பரமேஸ்வர் சி கா சத்ரு பண்கர் ஆயேகா, ஆகவே தேவ பிள்ளைகள் எச்சரிக்கை அடைய வேண்டும், பரமேஸ்வர் கி பச்சே சாவதான ஹோனாய், நம்முடைய சபை சபையாக இருக்க வேண்டும், அமர கலசியா கலசியா பண்கிறேனா, நாம் அதிலே இருக்க வேண்டும், விதத்தில் இருந்தால் சபை சபையாய், ஹம் வா ஜெய்சே ரேனாச்சே வைசே ரேகாத்து கலசியா கலசியா, அப்பொழுது கர்த்தர் நம்மோடு இருப்பார், தபி பரமேஸ்வர் அமரே சாத்ர ரேகா, ஹalleluya, ஹalleluya, இஸ்ரவேல் சபை, இஸ்ரவேல் கலசியா, நல்ல கானான் பயணம் மேற்கொண்டாங்க, அச்சே கானான் கே சஃபர் மே தே, பைபிள் சொல்லுகிறது, பைபிள் காதி ஹே, வழியில் அவர்கள் தங்களோடு வந்த பரிசுத்த ஆவியை துக்கப்படுத்தினார்கள், மார்க்கமே ராஸ்தேமே உன்கே சாத் சச்சல பவித்திர ஆத்மா கோ உன்னே கின் கர் தியா, ஒரு முறை இல்ல, ஒரு முறை இல்ல, ரெண்டு முறை இல்ல, பல முறை துக்கப்படுத்தினார்கள், बार नहीं दो बार नहीं कई बार उस आत्मा को दुख दिया। बाइबल चल गया थे। बाइबल कहती है। आप रे अवर के लिए करोड़ों माय तुरंबी अवर के लोड युद्ध मनी ना। परमेश्वर की उनके विरोध में आकर उनसे युद्ध किया। महिमा या एगिप्त लंद परपट्टा इस्राएल सभी के वंदन है। महिमा के साथ इस्राएल में मिस्र में से निकला हुआ कलसिया का हालत का देखो। अनाले कर्तर उन्होंने पूर्व चरित्र ते लंब आर्थ कुंडर बदल ले। परमेश्वर तुम्हारा पूर्व समय का चरित्र को नहीं देखेगा। ओ इवड़े रक्षिपिन साक्षी भयंकर मान दे। तुम्हारा उद्धार की गवाही बहुत भयंकर है। अरे नल्लदा वो अच्छी है। இன்றைக்கு சாட்சி என்ன? ஆஜ் கா கவாய் கியா ஹை? அதை தான் கர்த்தர் பார்க்கிறார். போய் பரமேஸ்வர் देखता है। எகிப்திலிருந்து மீட்கப்பட்ட சாட்சி இஸ்ரவேலுக்கு பயங்கரமான சாட்சி. மிஸ்ர से छुटकारा पाया वो गवाही இஸ்ரவேல் மிஸ்ரவாஸ் இஸ்ரவேல் के लिए बहुत बड़ा गवाही था। ஆனால் பாதி வழியிலே அவரே சத்ருவாய் மாறி. लेकिन आधा मार्ग में परमेश्वर उनका शत्रु बन गया। பழைய சாட்சி மகிமை உள்ளதுதான். அவங்க புராண गवाही महिमा भरी है। இன்றைய சாட்சி எப்படிப்பட்ட? ஆஜ் கா கவாய் கைசா ஹை? ஹalleluya, ஹalleluya. பழைய பூர்வீக சரித்திரத்தை பார்த்து உன்னை கர்த்தர் நடத்துவதில்லை. पूर्व का पहले के तुम्हारा इतिहास को देखकर प्रभु तुमको नहीं चलाएगा। இன்றுவளுடைய சாட்சி எப்படி இருக்கு? आज तुम्हारा साक्षी क्या है? இதைத்தான் கர்த்தர் பார்க்கிறார். यही परमेश्वर देखता है। ஹalleluya, ஹalleluya। சிலவேள தருணங்கள் கொடுக்கிறார் உண்மைதான். கபிகபி பிரபு மோக்காய அவசர देता है। இப்ராயீமே, இப்ராயீம், நான் உன்னை எப்படி கைவிடுவேன்? मैं कैसे तुम्हें छोड़ दूंगा?
उन इलावयदिन भक्ति अरिंदिरुक्किरे मैं तुम्हारा जवानी की भक्ति को मैं जानता हूं अल्लाह நினைக்கிறார் मैं सब प्रभु जानता है तरुणंगल தருகிறார் मौका देता है அண்ணா திரும்ப திரும்ப தப்பு பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா हम बार-बार पाप करते रहेगा அவர் திரும்ப திரும்ப தருணம் தர மாட்டார் हर बार अवसर नहीं देगा இந்த தேவ பிள்ளையே ஏ பிரிய லோகு எனக்கு தெரியாது ஏன் இப்படி பேசுறேன்னு मैं नहीं जानता हूं मैं क्यों ऐसे बातें करता हूं உங்கள் உள்ளத்திலே கர்த்தர் வார்த்தை தருவார் आपके हृदय में परमेश्वर वचन को देगा உங்களுடைய தவறு பெருசா இருந்தாலும் சின்ன தவறா இருந்தாலும் आपका गलती गुना बड़ा हो या छोटा हो இன்னைக்கு திருந்துங்க आज फिरो அது கர்த்தருக்கு பிரியமானது वो परमेश्वर के प्रिय बात है உன் மூலம் உன் சபை ஆசீர்வதிக்கப்படும் तुम्हारे द्वारा तुम्हारा கலுசியா ஆசிஷ் பாயேगा தேவனுடைய நோக்கம் அங்கே தொடர்ந்து நிறைவேறட்டும் परमेश्वर के योजना वहां पर लगातार पूरा होने पाए சபை வளர்ச்சிக்கு ஒரு பொழுது நீ முட்டுக்கட்டை ஆகிடாதே கலுசியா का बढ़ोतरी के लिए तू कभी भी रुकावट का कारण बने हालेलुया हालेलुया சபைகளை நியாயம் தீர்க்கிறவர் கலுசியா को न्याय करने वाला ஊழியர்களையும் நியாயம் தீர்க்கிறார் आगे सेवकों को भी न्याय करता है मिरियाम मिरियाम அங்கர்மான தீர்க்கதரிசி बहुत बड़े भविष्यद्वक्ती है ஆனால் அவள் மோசேக்கு விரோதமாய் பேசின பொழுது लेकिन वो जब मूसा का विरोध में बोली थी அவ மோசேக்கு 12 வயசு மூத்தவளா இருந்தும் கூட जो मूसा से 12 साल बड़ी थी உரிமைப்பட்டவளா இருந்தும் கூட जो भाई बहन करके हकदार वाली थी மோசேயின் மேல் இருந்த தேவ தெரிந்துகொள்ளதுல அவள் மதிக்கவில்லை மூசா के ऊपर जो परमेश्वर का चुनाव थी उसी को नहीं समझी அதற்காக கர்த்தர் அவளை அடித்தார் उसके कारण परमेश्वर ने उसको मारा மோசே அவளுக்காய் ஜெபம் பண்ணினார் மூசா उसके लिए प्रार्थना किया हालेलुया हालेलुया தேவ பிள்ளைகளே परमेश्वर के लोगों பார்த்தீர்களா ஊழியர்கள் ஒருத்தருக்கு விரோதமா ஒருத்தர் ஒரு நாளும் பேச கூடாது சேவகளோ एक सेवक के विरोध में कभी नहीं बात करना நமக்கு மேலே கர்த்தர் வைத்திருக்கிறவளை நாம் கனமான வேண்டும் हमारे ऊपर प्रभु ने रखे हुए लोगों को हमने आदर करना है அந்த மதிப்பை என்னாலும் கொடுக்க வேண்டும் उसका आदर हमेशा देना है ஏனா அது கர்த்தருடைய நியமனம் क्योंकि प्रभु का नियम है கர்த்தருடைய அபிஷேகம் प्रभु का अभिषेक है அதை நாம் கனமணி தான் उसको आदर करना ही चाहिए நமக்கு அறிவு ಜಾಸ್ತಿ இருக்கலாம் சத் हमको अक्ल बुद्धि ज्यादा होगा வேற பல காரியங்கள் உங்களுக்கு இருக்கலாம் அவர் भी बहुत सारे बात तुम्हारे पास होगा அதெல்லாம் கர்த்தர் கணக்கு பார்க்கிறது இல்ல वो सबका हिसाब प्रभु ने देखता है என் நியமனத்தை நீ கணம் பண்ணு मेरे मई मेरे द्वारा टराया या नियुक्त किए हुए लोगों को आदर करो हालेलुया हालेलुया இந்த பெரிய மோசே கூட ये बड़े मोसा को நீ கானானுக்குள்ள போகடா ಅಂತார் तू कानान में प्रवेश नहीं करेगा अगर வாசிக்கும் பொழுது அவ்வளவு சங்கடமும் கண்ணீரும் வரும் उसको पढ़ते समय इतना दुख और आंसू आती है கெஞ்சி கேட்டா वो गिड़गिड़ा कर मांगा அனுமதி கொடுங்க प्रभु थोड़ा मुझे मदद कर போக கூடாது ಅಂತார் तू नहीं जाएगा என்ன தண்டனை பாத்தீங்களா क्या सजा देखो நீதியுள்ள தேவனவர் जुन धर्मी परमेश्वर हालेलुया हालेलुया हम எல்லாரும் தேவனுக்கு பயந்திருக்க வேண்டும் हम सबके सब परमेश्वर से डरने चाहिए விசுவாசிகளை நியாயம் தீர்க்கிறார் விசுவாசி को न्याय करता है கோராகின் கூட்டம் ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் கோராஹ் के वंश बहुत बड़ा सावधानी है தெளிவாக பைபிள்ல எழுதி வைத்திருக்கிறார் सावधानी एकदम स्पष्ट दृष्टि சாஸ்திரம் எழுதி சபைக்குள்ளே கலகம் உண்டு பண்ணினார் கலுசியா को झगड़ा मचाया சபையில பிரிவினை உண்டு பண்ணினார் கலுசியா में फुट को लाया கர்த்த நியமித்த மோசேக்கு ஆராதனுக்கு விரோதமாய் பேசினார்கள் प्रभु ने ठहराया मूसा और आरोन के विरोध में बात करने लगे கூட்டத்தை கூட்டினார்கள் एक झुंड को बनाया भूमि தன் வாயை பிளந்து அவர்களை விழுங்கி போட்டது जमीन अपना मुंह को खोलकर उनको जिंदा दफना दिया அது கர்த்தருடைய நியாய தீர்ப்பு परमेश्वर का न्याय है हालेलुया हालेलुया ஒரு நாளும் கர்த்தருடைய சபையில ஒரு தொந்தரவு கொடுக்க கூடாது कभी भी हमारे द्वारा हमारा கலுசியா को कोई तकलीफ नहीं देना ஒரு மனிதனுக்கு பிடித்தவாறு சபை நடத்த முடியாது एक व्यक्ति जैसा चाहता है वैसा கலுசியா नहीं चला सकता ஒரு கூட்டத்தார திருப்தி படுத்தி சபை நடத்த முடியாது கலுசியா के छोटा सा ग्रुप के लोगों को खुश करके प्रसन्न करके கலுசியா नहीं चला सकता ये ஒரு கூட்டம் எழும்பிய சபை நடத்த கூடாது अगर तुम में से कुछ छोटा सा ग्रुप या झूठ बनकर கலுசியா नहीं चला अगर கர்த்தர் ஊழியக்காரர் அபிஷேகம் பண்ணி வச்சிருக்கார் उसके लिए प्रभु सेवकों को अभिषेक करके रखा है கீழ்ப்படிந்தே நடக்க வேண்டும் ஆக்ஞாகாரி பண்கரி चलना है பிரிவினைகளை உண்டு பண்ண கூடாது फुट को नहीं लाना நமக்கு இந்த ஒரு கூட்டம் हमारे लिए छोटा ग्रुप அவங்களுக்கு இந்த ஒரு கூட்டம் उनके लिए छोटा ग्रुप கும்பல்கள் அப்படி கோஷ்டிகள் சேர கூடாது ऐसा ऐसा ग्रुप ग्रुप नहीं बनना கலுசியா में நான் பவுலை சேர்ந்தவன் मैं பவுல் का हूं நான் அப்பல்லோவை சேர்ந்தவன் मैं அப்பல்லோ का हूं நான் கேபாவை சேர்ந்தவன் मैं கேபா का हूं இதெல்லாம் சரிபடாது ये कोई काम का नहीं है எல்லாரும் நாம் ஒன்றா இருக்க வேண்டும் हम सब एक बनकर रहना அதுதான் கிறிஸ்துவின் சித்தத்தை நிறைவேற்றுவது ये है मसीह की इच्छा को पूरा करना அவர் சிலுவையில் இவ்வளவு பாடுபட்டதே நம்மை ஒன்றாக்குவதற்காக தான் क्रूस पर इतना दुख उठाया गया वो हम सबको एक मिलाने के लिए சபையிலே பிரிவினையின் ஆவி புகுந்து கிரிய செய்ய முயற்சி பண்ணி கொண்டிருக்கிறது கலசியா के अंदर फुट की आत्मा घुसकर काम करने के लिए देखता है यार मेले ஏறி வரலாம்னு பாத்துக்கிட்டு இருக்கு किसके ऊपर सवारी करके आओ करके देखता है நீங்க யாரும்
பாதுக்கு ஆளாயிடாதீங்க तुम कोई भी उसी का कारण नहीं बनना है हालेलुया हालेलुया இடரல்கள் வருவது அவசியம் போக்கர் காணா அவசிய ஆனால் எவன் மூலம் அது வருகிறதோ लेकिन किसके द्वारा वो आती है அவனுக்கு ஐயோ उनके लिए हाय அந்த மனுஷன் பிறவாதிருந்தால் அவனுக்கு நலமா இருந்திருக்கும் उस व्यक्ति जन्म नहीं पाया होता तो उसके लिए भला होता இயேசு சொன்ன வார்த்தை இயேசு ने कहा वसा ஏவ ஜனமே தேவனுக்கு பயப்படுங்கள் ஏ பரமேஸ்வர் के प्रजा प्रभु से डरो சபைகளுக்கு நியாய தீர்ப்பு உண்டு கலிசியா को न्याय है தேவ ஊழியர்களுக்கு நியாய தீர்ப்பு உண்டு சேவகளோ को न्याय है விசுவாசிகளுக்கு நியாய தீர்ப்பு உண்டு விசுவாசிகளுக்கு நியாய கா தின है குடும்பங்களுக்கும் நியாய தீர்ப்பு உண்டு பரிவாரோ को भी न्याय கா தின है ஏலியின் குடும்பத்தை கர்த்தர் நியாயம் தீர்த்ததை நீங்கள் அறிவீர்கள் ஏலிக்கு परिवार को प्रभु किस प्रकार न्याय किया करके हम जानते हैं கர்த்தர் வைத்த ஸ்தானத்தை விட்டு சென்ற நகோமி குடும்பத்தை நியாயம் தீர்த்ததை அறிவீர்கள் प्रभु ने रखा हुआ स्थान को छोड़कर गई नाओमी के परिवार को कैसा प्रभु न्याय किया करके குடும்பமாக தேவனுக்கு பயந்து வாழ வேண்டும் परिवार के साथ हम प्रभु से डर कर चलना है கடைசியாக अंत में ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் நியாய தீர்ப்பு प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रभु का न्याय ஒட்டுமொத்த பூமிக்கு நியாயம் தீர்ப்புனா நான் ஆரம்பிச்சேன் முதல்ல मैंने शुरुआत में पूरा समुदाय के लोगों को न्याय है இப்போ ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கு each and every individual ஒவ்வொருத்தருக்கும் நியாய தீர்ப்பு உண்டு அப்ப ஏக व्यक्तिगत के रूप से उन पर प्रभु का न्याय है करके देखते हैं வாசிப்போம் 2 தெசலோனிக்கேயர் பைலா படுங்க दूसरा தெசலோனிக்கோ की पत्री 1 அதிகாரம் 7 8 வசனங்கள் दूसरा அத்தியாயம் 7 और 8 வசன வசனத்தை கவனியுங்கள் ये वचन पर ध्यान दीजिए தேவனை அறியாதவர்களுக்கும் परमेश्वर को नहीं जानते हैं சுவிசேஷத்திற்கு கீழ்ப்படியாதவர்களுக்கும் சுசமாச்சார் की ஆக்ஞாகாரி नहीं बनते हैं நீதி உள்ள ஆக்கினை செலுத்தும்படிக்கு ऐसे उन्हें धर्म से दंड देने के लिए கர்த்தராகிய இயேசு प्रभु पर இயேசு தமது வல்லமையின் தூதரோடும் अपने सामर्थ्य दूतों के साथ ज्वाली தேரிகிற அக்கினியோடும் ऐसे ज्वाला भरी अग्नि के साथ வானத்திலிருந்து வெளிப்படும் போது அப்படியாகும் जब आकाश में से प्रकट होगा तब वैसे ही होगा யாருக்கெல்லாம் நியாய தீர்ப்பு किसके लिए न्याय का दिन தேவனை அறியாதவர்களுக்கு जो परमेश्वर को नहीं जानते சுவிசேஷத்துக்கு கீழ்ப்படியாதவர்கள் சுசமாச்சார் की ஆக்ஞாகாரி नहीं मानते இந்த வார்த்தையை பாருங்க ये वचन को देखो ஒருவன் தேவனை அறியவில்லை एक व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जाना அவனுக்கு நியாய தீர்ப்பு उसको भी प्रभु का न्याय है ஒருத்தே சுவிசேஷத்தை கேட்டு கீழ்ப்படியல एक व्यक्ति சுசமாச்சார் को सुनकर उसकी ஆக்ஞாகாரி नहीं बना அவனுக்கு நியாய தீர்ப்பு उसको भी न्याय का दिन தண்டனையின் அளவுகளில் வித்தியாசம் உண்டு सजा या दंड की माप में फर्क है அறிந்தும் அதன்படி செய்யாதவர்கள் अनेक அடிகளுக்கு பாத்திரவான் जानने के बावजूद उसके अनुसार जो नहीं करता है बहुत सारे दंड के पात्र है அறியாதவனுக்கு கொஞ்சம் தண்டனை जो नहीं जानता उसको थोड़ा दंड है அறிந்தும் கீழ்ப்படியாதவனுக்கு அதிக தண்டனை जो जानने के बाद जो आज्ञाकारी नहीं बनते उसको ज्यादा मार मारा है வசனம் சொல்லுது எல்லாருக்கும் நியாய தீர்ப்பு लेकिन प्रभु को अच्छे सबके लिए प्रभु का न्याय है நான் அறியவில்லை என்று நீ சாக்குப்போக்கு சொல்ல முடியாது भाई नहीं जानता हूं करके तू ओ ऐसे बात नहीं कर सकता है रोमर ले पौल இதை ரொம்ப தெளிவா எழுதி இருக்கிறார் ரோமியோ का पत्र में प्रेरित पौल इसके द्वारा इसके बारे में स्पष्ट रीति से लिखा यारो ना देवन அறியலன் சாக்குப்போக்கு சொல்லவே முடியாது कोई भी ऐसे कि मैं प्रभु को नहीं जानता हूं करके कोई ऐसे भावना या कुछ बात नहीं बता सकते देवन உண்டாயிருக்கிறவைகளை நீ பார்க்கும் உண்டாக்கியிருக்கிறவைகளை நீ பார்க்கும் பொழுது जो परमेश्वर के द्वारा जो कुछ सृष्टि किया गया है उसी को तो देखते समय இதை உண்டாக்கினவர் ஒருவர் இருக்கிறார் என்கிற உணர்வு உனக்குள்ள இருக்கும் इसी को बनाया हुआ परमेश्वर एक है करके ये समझ तुम्हारे अंदर होगा அந்த உணர்வினாலே सृष्टिकर யார் என்று நீ தேட வேண்டும் उसी समझ के साथ इसका सृष्टिकर्ता कौन करके तू परमेश्वर को ढूंढना है எல்லா மனிதர்களுக்கும் நியாய தீர்ப்பு சாபி மனுஷ்யோக்கு प्रभु का न्याय है எபிரேயர் 9:27 இப்ரானி के पत्र 9 அத்தியாயம் 27 வசனம் அன்றியும் ஒரே தரம் மரிப்பதும் பின்பு நியாய தீர்ப்படைவதும் மனுஷனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது एक बार मरना फिर न्याय के लिए खड़ा होना ये हर मनुष्य के लिए नियुक्त किया हुआ है हालेलुया हालेलुया ஆகவே மனுஷனுக்கு ஒரு மரணமும் ஒரு நியாய தீர்ப்பும் நிச்சயம் इसलिए மனுஷியோ को एक मरण और एक न्याय का दिन निश्चय है மரணத்தோட எல்லாம் முடிந்து போயிட்டேன் என்று நினைக்கவேண்டாம் हम ऐसा ना सोचे मृत्यु के साथ सब कुछ खत्म हो गया மரித்த அத்தனை பேரை எழுப்பி கொண்டு வந்து நியாயாசனத்துக்கு முன்பாக நிறுத்துவா மரேவே சபி லோக பிரபு உட்காகர் நியாய के सिंहासन के सामने प्रभु खड़ा करेगा வெளிப்படுத்தல் 20 அதிகாரம் 12 வசனத்திலே நாம் பார்க்கின்றோம் பிரகாசித்துவாதிய विश्वाते उसकी 12 वचन में पढ़ते हैं அங்க ஒரு பெரிய வெள்ளை சிங்காசனத்தை யோவான் காண்கிறார் அப்பர் யோன்னா बहुत बड़े सफेद सिंहासन को देखता है அதன் மேல் உட்கார்ந்திருக்கிற
ஒருவரை காண்கிறார் उसके ऊपर विराजमान एक व्यक्ति को देखता है 11வது வசனத்திலே 11 वचन में 12 வசனத்திலே பார்க்கிறோம் பிரகாசித்து பீசுவாதே उसकी 12 वचन மரித்தோராகிய சிறியோரையும் பெரியோரையும் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்க கண்டே जब मरे हुए छोटे बड़े सभी को प्रभु के सामने खड़ा हुआ मैंने देखा இதுதான் இறுதி நியாய தீர்ப்பு यह अंतिम समय का न्याय न्याय के लिए இஸ்ரவேலே ஆதாம் முதல் இந்த உலகத்தில் பிறந்த அத்தனை மனிதர்களையும் உயிரோடு எழுப்பி फिर अंत में आदम से लेकर पृथ्वी के अंत तक के लोगों को प्रभु जी उठा कर வெள்ளை சிங்காசனத்துக்கு முன்னாலே கொண்டு வந்து நிறுத்தி सफेद सिंहासन के सामने लाकर खड़ा कर गए கர்த்தரா இயேசு கிறிஸ்து நியாயாதிபதியாய் வீற்றிருந்து நியாயம் தீர்ப்பார் प्रभु இயேசு மசீ நியாயாதிஸ் बनकर बैठकर न्याय करेगा எப்படி நியாயம் தீர்ப்பார் कैसे न्याय करेगा புத்தகங்கள் திறக்கப்பட்டன புத்தக கோலி गई ஜீவ புத்தகம் என்ற வேறொரு புத்தகம் திறக்கப்பட்ட अर्थात जीवन की पुस्तक कर जैसा उस पुस्तकों में खुली गई அந்த புத்தகங்களில் எழுதப்பட்டவைகளின்படியே மரித்தோர் தங்கள் தங்கள் கிரியைகளுக்கு தக்கதாக நியாய தீர்ப்படைந்தார்கள் புத்தகம் में लिखा हुआ था वैसे ही उन्हें उनके कामों के अनुसार मरे लोग न्याय किया गया है 15வது வசனம் 15வது வசனம் ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டவனாக காணப்படாதவன் எவனோ அவன் அக்கினி கடலிலே தள்ளப்பட்டான் जिस किसी के नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया ஆகவே இங்க புத்தகங்களை வைத்து கர்த்தர் நியாயம் தீர்க்கிறார் इसलिए यहां पर प्रभु पुस्तकों को रखे प्रभु न्याय करता है वह सर्वज्ञानमुள்ளவன் वो सर्वज्ञानी है புத்தகங்கள் ஒன்றும் அவருக்கு தேவையில்லை उनके लिए कोई पुस्तकों की जरूरत नहीं ஆனால் அவரே அவ்வளவு நியாயமாக செய்கிறார் लेकिन परमेश्वर की उन सभी बातों को व्यवस्था और न्याय के अनुसार करता है जीव पुस्तकम जीवन की पुस्तक அதுதான் நம்முடைய membership புத்தகம் वही हमारा यादि की पुस्तक membership का पुस्तक யாரெல்லாம் பரலோகத்துக்குள்ள போகணும் कौन कौन स्वर्ग में जाएगा नित्य जीवन அடையணும் அந்த கால் கா जीवन पाएगा அந்த பெயர்கள் எல்லாம் இப்பொழுதே அங்க ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டு வருகிறது उनका नाम अब से उसका जीवन के पुस्तक में लिखी जाती है तो जीव पुस्तकத்தை பத்தி மோசேயே சொல்லி இருக்கிறார் उन जीवन के पुस्तक के विषय में मूसा अपने समय से ही कहा அவருக்கு அந்த வெளிப்பாடு இருந்திருக்கிறது उसको इस बात के प्रकाशन है ஆதாம் காலம் தொடங்கி ஆதாம் के समय से लेकर जीव पुस्तकம் என்ற ஒன்று பரலோகத்தில் இருக்கிறது जीवन के पुस्तक नाम के एक स्वर्ग में है பரலோகத்தில் யார் வந்து சேர்வார் स्वर्ग में कौन आएगा அதெல்லாம் அங்க எழுதப்பட்டு வருகிறது सब कुछ वहां पर लिखी जाती है انا இடையில சிலருடைய பேர் கிறுக்கி போடுவாரா लेकिन बीच में प्रभु किसी किसी लोग नाम को मिटा डालेगा அதுவும் அந்த மோசேயும் தேவனும் பேசுகிற விஷயத்துல நமக்கு தெரிய வருகிறது ஆ மூசா அவர் பரமேஸ்வர் ஆம்னே सामने बातें करते थे उस समय इस बात को प्रकट किया அவர் சொல்றார் એમ பேரை கிறுக்கி போடும் மூசா கதா मेरे नाम को मिटा दो அப்ப தேவன் சொல்றாரு அப்ப பிரபு ने कहा यार பேர கிறுக்கணுமோ அவன் பேர் தான் கிறுக்குவேன் जिसका नाम को मिटाना मैं उसका नाम मिटा दूंगा பாருங்க அப்போ நல்லா தொடங்கினவங்க பாதியில இழந்து போறது கூட இருக்குது देखो अच्छा से आरंभ किए हुए लोग अधूरा में समाप्त कर देने के अनुभवी है நம்முடைய பெயர்கள் ஜீவ புத்தகத்தில் இருக்க வேண்டும் हमारा नाम जीवन के पुस्तक में होना चाहिए அதற்கு தகுதியாய் நாம் வாழ்ந்து கொள்ள வேண்டும் उसकी योग्यता के अनुसार हम जीना है அப்பொழுது நியாய தீர்ப்பை கண்டு பயமில்லை तब न्याय से हमको कोई डर नहीं है हालेलुया हालेलुया முதலாவது உயிர்த்தெழுதலிலே எழும்பி விட்டால் पहला पुनरुत्थान में हम जी उठ जाएंगे இந்த வெள்ளை சிங்காசனத்துக்கு முன்னால் நிற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை सफेद सिंहासन के सामने हम खड़ा रहने की जरूरत नहीं पड़े அப்படிப்பட்ட ஒரு பரிசுத்த ஜீவியம் நாம் செய்ய வேண்டும் ஐசே के पवित्र जीवन हम बिताना है அங்கே புத்தகங்கள் திறக்கப்பட்டனன்னு சொல்லி இருக்கிறது புத்தக குலிவி கர்க்கம் ने लिखी है மல்கியா 3:16 ல மலாக்கி की पुस्तक 3:16 में அங்கே பார்க்கிறோம் வாம் देखते हैं கர்த்தருக்கு பயந்தவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் பேசிக்கொள்வார்கள் जो परमेश्वर डरे वो लोग आमने सामने बातें करेंगे அதை கர்த்தர் கவனித்து கேட்பார் वो परमेश्वर ध्यान से सुनेगा அது மட்டுமல்ல அங்கே ஒரு ஞாபக புத்தகம் அவருக்கு முன்பாக எழுதப்பட்டு வருகிறது உத்தனாகி உன்கே सामने एक याद की पुस्तक लिखी जाती है மனிதருடைய கிரியைகள் எல்லாம் அதில் எழுதப்படுகிறது மனுஷ்யோ கி கிரியா சப் வாம் பர் லிக்கி ஜாதி ஹே மனிதருடைய வார்த்தைகளை அவர் கவனிக்கிறார் மனுஷ்ய க சப்தோ பர் தியான் தேதா ஹே மனிதருடைய கிரியைகளை கவனிக்கிறார் மனுஷ்ய கி கிரியா காமோ கோ தேக்தா ஹே இரண்டும் பதிவு செய்யப்படுகிறது தோனோ இசாப் கி ரெக்கார்ட் கியா ஜாதி ஹே ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா சில ஆண்டுகளுக்கு முன் விஞ்ஞானிகள் அறிவித்தார்கள் குச்ச சாலோ கே பலே விஞ்ஞானியோ நே பதாயா மனுஷர்கள் பேசுகிற வார்த்தைகள் எல்லாம் மனுஷ்யோ நே ஜோ கஹனே வாலி சப்த வானமண்டலத்திலே ரெக்கார்ட் ஆகி இருக்கிறது ஆகாஷ் மண்டலத்தில் ரெக்கார்ட் ஹுயி ஹே அதிலிருந்து எடுக்க முடியுமா என்று ட்ரை பண்ணுகிறார்கள் உனி மேசே ஹம் நிகால் சக்தாய் கே அகர் கோ கோசிஸ் கர்தே ஹே கவனியுங்கள்
ध्यान से सुनिए वानंगल मटा मटा वेंद सुरुट पट्ट पो आकाश टप टप करके ऐसे गिर जाएगा अवेगल रिकॉर्ड पन्ना पट्ट वार्ते गल होड सुरुट पट्ट निकम उनके द्वारा रिकॉर्ड किए शब्दों के साथ उन्हें गोल किया जाएगा देवन यल्लार डे वार्ते रिकॉर्ड पन्नी वेकरा परमेश्वर सबकी शब्दों को रिकॉर्ड करता यल्लार डे क्रिया न्याबो पुस्तक ले दी वेकरा सबकी क्रिया याद की किताब में लिखा रखा है 139वां संगीत तले भजन से 139 संगीतकारन सोलुगरा भजन संगीत वाला कहता है मेरे கருவை உம்முடைய கண்கள் கண்டது मेरे गर्भ को मेरे आंख मेरे मैं गर्भ में जो उत्पन्न आपकी आंख मुझे देखा தாயின் வயிற்றிலே என்னுடைய எலும்புகள் உருவாகும் பொழுது மாக்கே பேட் மீ ஜப் மேரி ஹட்டியா ஜோடி हुई ஒவ்வொரு எலும்பு உருவாகும் நாட்களும் அது புத்தகத்தில் எழுதி இருந்தது இந்த அடியா ஜுடி जाने के समय आपके पुस्तकों में लिखी है அப்படி ஆண்டவர் புத்தகம் போட்டு மெயின்டெய்ன் பண்ணி வருகிறார் ऐसे प्रभु पुस्तक डालकर हर बातों को संभालता है நம்முடைய எலும்பு ஒவ்வொன்று என்னைக்கு உருவாகணும்னு எழுதி வச்சிருக்கிறார் हमारा सब हड्डियां सब जुड़े या उत्पन्न कर उस बातों को भी प्रभु शास्त्र में लिख कर रखा है அவ்வளவு அப்படியே எழுதி வச்சிருக்கிறார் सब कुछ वैसे के वैसे की लिख कर எல்லாவற்றையும் வைத்து நியாயம் தீர்ப்பார் सब कुछ रखे एक दिन न्याय करेगा ரெண்டு நாளாகமம் दूसरा इतिहास की पुस्तक 17वां அதிகாரம் 9वां வசனத்திலே 17வது வசன में கர்த்தருடைய வேத புத்தகம் என்று எழுதி இருக்கிறார் परमेश्वर के पवित्र शास्त्र करके लिखा है இதை வைத்து நியாயம் தீர்ப்பார் इसको रखकर भी न्याय करेगा முக்கியமான புத்தகங்கள் कास किताब वंदु जीव पुस्तक एक जीवन की पुस्तक वंदु ज्ञापक पुस्तक एक याद की पुस्तक इन वंदु वेद पुस्तक दूसरा पवित्र शास्त्र द जीव पुस्तक मेंबरशिप रजिस्टर नु सुनने ये जीवन का हमारा यादी की रजिस्टर मतलब हमारा मेंबरशिप का किताब है ज्ञापक पुस्तक में बदो और डायरी याद का किताब मतलब एक डायरी जैसा है वेद पुस्तक मतलब छठ पुस्तक पवित्र शास्त्र मतलब द बुक मतलब न्याय का पुस्तक छठ पुस्तक न्याय का पुस्तक हालेलुया व्यवस्था का पुस्तक इदले இந்த ஜீவ புத்தகம் நம்ம கிட்ட இல்ல பரலோகத்தில் இருக்கிறது ये जीवन का पुस्तक हमारे पास नहीं स्वर्ग में है हम अंग कई वेकवे முடியாது हम हाथ नहीं रख सकते ஞாபக புத்தகம் அங்க இருக்குது याद का किताब भी वही रहता है அவர் எழுதி வைக்கிறார் वो लिख के रखता है हम अंग ஒண்ணு மாற்ற முடியாது हम कुछ बदल नहीं सकते பைபிள் மட்டும் நமக்கு கையில கொடுத்திருக்கிறார் பைபிள் சிறப்பு हमारा हाथ में दिया है சட்ட புத்தகத்தை நம்ம கையில தந்திருக்கிறார் जो व्यवस्था का पुस्तक हमारा हाथ में दिया है எல்லாம் இத படித்து கரெக்ட்டா ஜீவிக்கணும் हम सब इसको पढ़ाई करें उसके हिसाब से सही जिंदगी जिए இந்த வார்த்தையை வைத்து நான் உன்னை நியாயம் தீர்ப்பேன் इस वचन को रखे मैं तुमको न्याय करूंगा हालेलुया हालेलुया நேர்த்தியாய் கர்த்தர் செய்கிறார் प्रभु एकदम व्यवस्थित तौर से करता है அவர் நியாயம் தீர்க்க வருகிறார் न्याय करने के लिए आ रहा है நாம் அதற்கு ஆயத்தமாய் இருக்கிறோமா उसके लिए तैयार है क्या மனிதனே ஏ மனுஷா ஒரு வாழ்க்கையில் திடீரென்று குறுக்கிடுகிறார் तुम्हारा जिंदगी अचानक आ जाएगा அது மட்டுமல்ல उतना नहीं கடைசில ஒரு நாள் கொண்டு வந்து எல்லாவற்றையும் பற்றி நியாயம் தீர்ப்பார் அந்தமே एक दिन लाकर हम सब के लिए न्याय करेगा சிலருடைய வாழ்க்கையில உடனுக்குடன் குறுக்கிடுகிறது பார்க்கறோம் कुछ लोग दिन में तुरंत प्रभु न्याय करता है சிலர் அப்படியே விட்டு விடுகிறார் कुछ लोग प्रभु ऐसे छोड़ देते हैं ஆனால் எல்லாருக்கும் கடைசில நியாய தீர்ப்பு உண்டு सबके लिए अंत में न्याय का दिन है ஆகவே நாம் கர்த்தரை சந்திக்க ஆயத்தமாக வேண்டும் इसलिए परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार होना है ஒரு காரியம் முக்கியம் एक बात बहुत जरूरी है நாம் ஆகாயத்தில் வரும் இயேசுவை சந்திக்க போகிறோமா हम आकाश में आने वाला இயேசு से मिलने वाले हैं இல்ல வெள்ளை சிங்காசனத்துல உட்கார்ந்திருக்கிற இயேசுவை சந்திக்க போறோமா சஃபேத் சிங்காசன में बैठा இயேசு से मिलने वाले हैं என்ன क्योंकि கர்த்தருக்கு பிரியமா நம்ம ஜீவித்தோம்னா यदि हम परमेश्वर के प्रिय बन के जिएंगे तो ஆகாயத்துல வரும்போதே நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டவர் சோ பிரபு இயேசு आकाश में आएगा तभी हम उठा लिया जाएंगे तो எப்பொழுதும் கர்த்தருடனே கூட இருப்போம் तब हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे அதுதான் மேன்மை वही बड़ा आदर की बात है அது இல்லாம இழந்து போயிட்டோம்னா ये अनुभव हमने खो दिया तो பிறகு தான் கடைசி உயிர்த்தெழுதல் ஒரு அந்தின் சமயக்க புனருத்தான் வெள்ளை சிங்காசனத்து முன்னால் நிக்கணும் சஃபே சிங்காசன के सामने खड़ा रहना ஆகவே தேவ பிள்ளையே इसलिए प्रभु के बच्चों ஆகாயத்தில் வரும் இயேசுவை சந்திக்க ஆகாஷ் மியானுலி இயேசு से मिलने के लिए तैयार होना வெள்ளை சிங்காசனத்துக்கு முன்னால நிக்கிறதுக்கு இல்ல சஃபேத் சிங்காசன के सामने नहीं ஆகாயத்தில் வரும் இயேசுவை சந்திக்க பத்தி ஆகாஷ் மியானுல பிரபு से मिलने के लिए இன்னைக்கு ஒரு நல்ல தீர்மானம் எடுங்க அது கச்சா ஃபைசலா லோ கர்த்தர் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தந்திருக்கிறாரோ பிரபு आपके लिए क्या किया दिया है ஒரு நாள் எல்லாவற்றுக்கும் நியாயம் தீர்க்க போகிறார் एक दिन सबके लिए न्याय करेगा ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையை சரிபடுத்துவோம் இஸ்லாம் நம்ம ஜீவன் கோ சுதாரेंगे രക്ഷிக்கப்படுங்க உதார் பாவோ ஏனா மனம் திரும்புங்கள் என்பது கர்த்தருடைய கட்டளை மன் फिरो करके ये प्रभु का आदेश आज्ञा ज्ञान स्नान பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்பது கர்த்தருடைய கட்டளை பப்டிஸ்மா ले लो ये परमेश्वर का आदेश आज्ञा பரிசுத்தாவி பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்பது கர்த்தருடைய கட்டளை பரிசுத்த பவித்திர ஆத்மா கோ பாலो ये प्रभु का आज्ञा வேறுபட்டு பரிசுத்தமாய் வாழ்வது கர்த்தருடைய கட்டளை ये दुनिया से अलग होकर प्रभु के लिए जीना ये प्रभु का आज्ञा அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்துல தரித்திருக்க வேண்டியது கர்த்தருடைய கட்டளை பிரேரித்தோக உபதேசம் में बने रहना प्रभु की आज्ञा அன்யோன்யத்திலும் அப்பம் பிட்கதலிலும் தரித்திருக்க வேண்டியது கர்த்தருடைய கட்டளை ஏத்தா மேல்மிலப் ரொட்டி தோடனமே बने रहना प्रभु की
योजना जबतले दरित्र कवेंट में बद कत्तोड़े कट्टल प्रार्थना में बने रहो ये प्रभु का आग्निया दाड़ी पढ़ाई के लिए निगल इन्हें वारा विल्ले यंत्र इस आधार पर अभी तक हम नहीं आया इन्द्र के ओपु गोड़ंगे आज समर्पण करो यार ज्ञान स्नान बेटु कोड़ा विल्ले जो लो बपतिस्मा नहीं लिया है तो येसु एनक वेंडो वो येसु मुझे चाहिए येसु काई वाड़वे येसु के में जीवंगा येसु ओड़ उड़न बड़ी के सही वे येसु के साथ एक वाचा करार बनाऊंगा इन्द्र के रात्रि ज्ञान स्नान तुर गोपु गोड़ंगे आज रात ही मैं अपने बपतिस्मा के लिए सौंप देता हूं ये बगल दान न्याय तीर्प के नमई विलक के कुड़िया ये सब बातें न्याय का दिन से हमें बचाती यार परशुद्ध आवी परविल्ले कौन पवित्र आत्मा नहीं पाया इन्द्र के रात्रि तार आंडवे आज रात को मुझे दे दो प्रभु इन्द जपतला तार मांडो इस प्रार्थना में मुझे दे दो अपनी ताह तोड़ के लेंगे ऐसे प्यास से मांगो परशुद्ध आवी उंगले ही नरपु पवित्र आत्मा तुमको भर देगा हालेलुया हालेलुया कत्थरुडे वाली ले सवया इरंगे परमेश्वर के मार्ग में सच्चाई से बनो लार कनगले मोड़ी चेपी सभा के बंद करके प्रार्थना करे लार कनगले मोड़ी चेपी सभा के बंद करके प्रार्थना करे हालेलुया हालेलुया न्याय तीर्पिन नाल नेरुंगुदे नेसर्वर कालमागुदे न्याय तीर्पिन नाल नेरुंगुदे नेसर्वर कालमागुदे மாயலோகம் நம்பி மாண்டிடோ மானிடரை மீட்க மாட்டீரோ மாயலோகம் நம்பி மாண்டிடோ மானிடரை மீட்க மாட்டீரோ எங்கள் தேவனே நீர் பெரியவர் பெரியவர் தேவனே நீர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் தேவனே நீர் நல்லவர் நல்லவர் தேவனே நீர் வல்லவர் வல்லவர் மாயலோகை நம்பி மாண்டிடு மானிடரை மீட்க மாட்டீரோ மாயலோகை நம்பி மாண்டிடு மானிடரை மீட்க மாட்டீரோ வாக்கு தத்தம் செய்த கர்த்தரே வாக்கு மாறா உண்மை நாதரே வாக்கு தத்தம் செய்த கர்த்தரே வாக்கு மாறா உண்மை நாதரே வாக்கை நம்பி வந்து நிற்கிறோ வல்ல ஆவி மாறி ஊற்றுவே வாக்கை நம்பி வந்து நிற்கிறோ வல்ல ஆவி மாறி ஊற்றுவே எங்கள் தேவனே நீர் பெரியவர் பெரியவர் தேவனே நீர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் தேவனே நீர் நல்லவர் நல்லவர் தேவனே நீர் வல்லவர் வல்லவர் வாக்கை நம்பி வந்து நிற்கிறோ வல்ல ஆவி மாறி ஊற்றுமே வாக்கை நம்பி வந்து நிற்கிறோ வல்ல ஆவி மாறி ஊற்றுவே வாக்கை நம்பி வந்து நிற்கிறோ வல்ல ஆவி மாறி ஊற்றுமே வாக்கை நம்பி வந்து நிற்கிறோ ஆமென் கடைசி நாட்களில் மாம்சமான யாவர் மேல் என் ஆவியை ஊற்றுவேர் என்று சொன்னவர் இந்த ராத்திரி வேளை உள்ளங்கள் அபிஷேகம் பெறவில்லையோ அபிஷேக் நெய் பாயா கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள் கர்த்தர் அபிஷேகத்தை ஊற்றுகிற வல்லமை இறங்குவதாக ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை நிரப்புவதாக அபிஷேகம் பெற்ற தேவ ஜனமே தீர்ப்பை குறித்த உணர்வைக்குள் ஊட்ட பரிசுத்த ஆவியே நியாய தீர்ப்பை கண்டித்து உணர்த்துகிறவரே ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மேல் அசைவாடு வீரப்படும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்ற உணர்வு வரட்டும் ஞானஸ்நானம் பெற உணர்வு வரட்டும் சுத்தமாய் வாழ உணர்வு வரட்டும் சுத்திகரிக்கப்படட்டும் தவறுகள் உணர்த்தப்படட்டும்
शक्ति का हिस्सा थे ग्लोरी वाला धन्यवाद ताला शिमा बाबा होली हाताला बाडाला ताला बाशाला दीला बाला होरी बाला 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 शाला बाला बाला कबाला दूरा बाला बाशाला यसला हालेलुया ओ विलु डाला असुसी गोल्डिंगी पोहट आत्मा के असुस्त असुस्त शरीर तिल के ये चेहरा पाप चेहरे गल विलाई की वोड़े शरीर के पाप का स्वभाव अट जाने दो आत्मा विले के ये चेहरा पाप दिन बोर अटंगल विलाई आत्मा के पाप के लड़ाई कदम रात्रि वाले परिशुद्ध आविया रंग वीरा पवित्र आत्मा उत्तर कर राजा जयम दर वीरा के विजय दे दे तोल भी जय माय मात्र हरावट का विजय से बदल दो पवित्र करो निरपो अभिषेक यो अभिषेक करो काला दूरा शब्द नमः ओ ग्लोरी हालेलुया उलाबाना शब्द नमाला कतरा शलाबाउरी अंदला ग्लोरी हालेलुया थैंक यू लॉर्ड कर्तरु को मगड़ मुड़ी याद वर गए प्रभु में आनंद इतने हो पाते हैं इपुर वो कुछ चंगड़े आरी के पढ़ने गए अपने गुणाओं को मान लो पाप में लक्षर मंगलारी के पढ़ने गए अगर मुझको कबूल करो यीशु ने मन्नियों में दुखों पर गए क्षमा करो करके पुकारो और को न्याय तीर पूंड तो अन्य प्रभु का न्याय के दिन वर वर ये मर्दा बट कर दिल्ले तुझे ऐसा नहीं छोड़ेगा सगोदर ने भाइयो मन फिरो सगोदरी मनन चुरुम मन फिरो पाप वाली गले विट मुड़े पाप का मार्ग छोड़ दो शरीर का अभिलाषा छोड़ दो यीशु के ने राग बंद विड़ यीशु के पास आ जाओ ओ हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु ग्लोरी हालेलुया आमेन शाला हाताला मौदरा शिमा नादला तला माशाला मौरिया आमेन हालेलुया हालेलुया எத்தனை பிள்ளைகள் ஞான ஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும் என்று அர்ப்பணிக்கிறீர்கள் अभी कितने लोग बपतिस्मा लेने के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं रात्रि वेला इतने वेर अंदर तीर्मान तो इड़ तो कुंडे आज रात कितनों लोग इसी निर्णय को लेना चाहते हो इगले रिकर अड़ तो वाला दगर तो वो यर्ति कुंडे जबी पीर आप जहाँ बैठा वहाँ अपनी दहिनी आंतों को कड़ा करके प्रार्थना करो नान्यान स्नानम पर तीर्मानी करे मैं बपतिस्मा लेने के लिए मैं फैसला लेता हूँ यीशु यनक वेंडो यीशु मुझे चाहिए और उड़न अनुड़न बड़ी कैसे यीशु के साथ में करार वाचा बनाना वेर यार मेर करीर गला और कोई है और तीर्मान ते वली पड़तो उधर काई काई हुए ती जोमनी को एक निर्णय को प्रकट करने के लिए आद उड़ा कर प्रभु महिमा दे अंगु पिदावे नांगलो मई तुदि करो प्रिय परमेश्वर हम आपको स्तुति करते हैं करमयति निकर सहोदरंगल काग स्तोत्र हाथ उठाया भाई के लिए धन्यवाद सहोदरीगल काग स्तोत्र बहनों के लिए धन्यवाद द पिल्लेगले आशीर्वाद आपके बच्चों को आशीष दे नीर अवरगले छोड़ो मांडो आप उनको छू ले प्रभु और लो मोड़ करम पिडिक विरंबुगरा आप लोग आपके साथ आत पकड़ना चाहता है ज्ञान स्नान तिल अवरले वळी नडतुम तवपने मामे उनको अगुवाई कीजिए उनके उल्लंघनिल थोड़ा अंदर क्रिएट चाहिए उनके अंदर अंदर अंधकार में लगातार काम करो उन्हें अल्लाह करतिल तार गिनरो उन्हें आपका बलाहत में सौंपता कुटतिल वंदर कर वो वर वर उड़न थोड़ा अंदर क्रिएट चाहिए सभा में आए वारी एक व्यक्तियों के साथ अब मुलाकात ले वरपोगर न्याय तिरपे कुरित उणर्व वरटो आने वाला न्याय का दिन के बारे में एक समझ आने दे जीवेंगले सिर पड़तटो